हेलो, सभी को आवाज आ रही है हमारी? आ रही है, आ हाँ रही जी, है, आ आ रही है, आ रही रही है। है। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, हम SSDSE के बारे में आपको बताएंगे कैसे फंक्शन करता है, कैसे वर्क करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि इसका ब्लॉक डायग्राम क्या है, ब्लॉक डायग्राम के बारे में बताएंगे, उसके बाद फिर हम आपको उसके डिटेल बताएंगे। ठीक है, अभी ये देखिए हमारा SSDSE का ब्लॉक डायग्राम है। SSDSE में नॉर्मली हमारे 8 कार्ड होते हैं। ठीक है, 8 कार्ड होते हैं जिसमें कि SSC1, SSC2, MLB1, MLB2, मॉडम कार्ड, रिले ड्राइवर कार्ड, DC-DC कन्वर्टर कार्ड। ठीक है, तो ये हमारे टोटल 8 कार्ड हो गए हैं, सात कार्ड हो गए हैं टोटल। तो अब क्या करते हैं, इसमें नॉर्मली क्या होता है, जो हम 24 वोल्ट सप्लाई रहती है वो हमारे लोकेशन मतलब आपका रिले रूम से आती है। रेल रूम से हमारा वहां पे बस बार बनाते हैं हम लोग, लोकेशन बॉक्स में उस बस बार में पहले 24 वोल्ट सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं। फिर 24 वोल्ट सप्लाई क्या करती है, हमारा जो कपलर है, बैक साइड में लगता है कपलर, उसके थ्रू हमारे इक्विपमेंट में जाती है। वो इक्विपमेंट में सबसे पहले हमारा DC-DC कन्वर्टर है जो हमारे सिस्टम को ऑन मतलब सप्लाई प्रोवाइड कराता है। तो हमने क्या किया, कपलर के थ्रू हमने DC-DC कन्वर्टर कार्ड में सप्लाई दे दिया। देखिए आपका बैटरी है, आप देख रहे होंगे, आप कि बैटरी सॉरी देख रहे होंगे आप, एक मिनट एक मिनट, एक मिनट एक मिनट। हाँ, ये देखिए आपका बैटरी है। सबसे पहले आप देखिए कि बैटरी है आपका, ये देखिए बैटरी से आपका DC-DC कन्वर्टर कार्ड में एरो बना होगा आपका, देखिए दिख रहा होगा आपको, DC-DC कन्वर्टर कार्ड में ये चला गया आपका। फिर हमारा DC-DC कन्वर्टर कार्ड क्या करता है, सभी कार्ड को पावर सप्लाई प्रोवाइड कराता है। ये आपको देखो एरो दिख रहा होगा आपको, पर मतलब सारे एरो एक एक कार्ड में चले गए हैं। DC-DC कन्वर्टर कार्ड आपका रिले ड्राइवर कार्ड में जा रही सप्लाई, DC-DC कन्वर्टर कार्ड से MLB कार्ड में, SSC कार्ड में, मॉडम कार्ड में, इन सब कार्डों में DC-DC कन्वर्टर कार्ड से सप्लाई प्रोवाइड कराती है। एक्चुअली क्या, DC-DC कन्वर्टर कार्ड में हमारे 4 इंडिकेशन दिए हुए हैं, एक 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट एंड 15 वोल्ट आइसोलेटेड। जो हमारा 5 वोल्ट है वो हमारे इसके अंदर SSC कार्ड में, MLB कार्ड में, मॉडम कार्ड में, रिले ड्राइवर कार्ड में क्या होता है, सप्लाई मतलब ICs लगी हुई है, तो उन ICs को वो 5 वोल्ट प्रोवाइड कराता है सप्लाई। ऐसे 12 वोल्ट भी, 12 वोल्ट की कुछ आईसीज लगी हुई हैं उनको 12 वोल्ट प्रोवाइड कराता है, 24 वोल्ट की भी आईसीज हैं उनको 24 वोल्ट का प्रोवाइड कराता है, ऐसे 15 वोल्ट आइसोलेटेड है तो इसके लिए भी एक ऑप्टो कपलर आईसी लगी है उसको प्रोवाइड कराता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि सबसे पहले हमने सप्लाई दे दी, हमारा सिस्टम ऑन हो गया। ऑन होने के बाद में आपका SSC कार्ड में देखेंगे आप, नॉर्मली अब मैं आपको आगे भी बताऊंगा, SSC कार्ड में क्या होगा कि आपके चार चार LEDs लगी रहती हैं, टीपी कॉन, उसके बाद फिर आपका ऑस्केशन ओके, एलडी ओके, पल्स ओके, इस तरह से सारे इंडिकेशन दिए हुए हैं उसमें, मतलब एलईडी लगी हुई है, तो इन सब नॉर्मल कंडीशन में सारी इनमें इंडिकेशन आना चाहिए सभी में। हाँ, अभी जैसे सपोज हमने ऑन किया सिस्टम को, ऑन करने के बाद एलडी ओके, पल्स ओके, ऑस्केशन ओके, वो सारे इंडिकेशन आ गए इसमें। उसके बाद फिर क्या होगा, SSC कार्ड में वो क्या करेगा, जैसे ही ये इंडिकेशन आएंगे वैसे ही आपका जो आपका TX RX कॉइल है वो उसको सप्लाई प्रोवाइड कराने लगेगा। TX RX कॉइल को प्रोवाइड कराएगा सप्लाई, और ट्रांसमिटिंग कॉइल सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा और रिसीवर उसको रिसीव करके दोबारा इक्विपमेंट में दे देगा। और आपने देखा होगा SSC कार्ड में हमारा जो रिक्वायर्ड आउटपुट वोल्टेज है 2 से 2.4 वोल्ट तक कंपलसरी है, होना चाहिए वहां पे आउटपुट वोल्टेज SSC कार्ड में।
ये आपका कंपलसरी, जैसे आप कभी भी जैसे सेक्शन में जाते हो, देखते हो, नॉर्मली रूटीन में चेक करते हो, तो आपका वो टू जो आउटपुट है आपका SSD कार्ड का, वो कंपलसरी 2 वोल्ट से एबव होना चाहिए। 1.9 या 1.8 आएगा तो इंटरमिटेंट प्रॉब्लम होगी उसमें। है, जैसे सपोज आपका क्वाइल वगैरह कट हो गया, आपने कनेक्ट किया, आपने सॉरी गलत गलत तरीके से आपने कनेक्ट कर दिया, कुछ वायर इंटरचेंज हो गए, तो आपका LDO के पल्स ओके और ये इंडिकेशन आपके नहीं आएंगे उसमें, अगर आपने गलत कनेक्ट कर दिया तो वहां से भी आप चेक कर सकते हो। अगर सपोज आपने कनेक्ट किया और नहीं आया इंडिकेशन, दैट मीन्स आपकी वायरिंग गड़बड़ हो गई, कनेक्टिविटी गलत हो गई, इस वजह से वो इंडिकेशन नहीं आ रहा है आपका। और दूसरी चीज, ये जो ट्रांसमिटिंग रिसीविंग कॉयल है, इसका आप लोगों को पहले सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि इसका रेजिस्टेंस वगैरह कितना आता है। जो ट्रांसमिटिंग कॉयल का जो रेजिस्टेंस है वो 1 से 2 ओम, 2 ओम्स के बीच में होना चाहिए ट्रांसमिटिंग कॉयल का रेजिस्टेंस। इस तरह से आप चेक करेंगे उसको, रेजिस्टेंस कि कितना रेजिस्टेंस आ रहा है उसका। तो आप जस्ट लिंक ओपन कर लीजिएगा ट्रांसमिटिंग कॉयल के, और उसके बाद उसमें चेक करिए उसका रेजिस्टेंस कितना है। 1 से 2 ओम ट्रांसमिटिंग कॉयल का, रिसीविंग का 2 से 3 ओम के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको कंपलसरी ध्यान देना है। और जो आप जनरली चेक करते हो, जैसे सपोज आपका मतलब रेजिस्टेंस ठीक आ रहा है, आपको पता नहीं है कि आपका कॉयल में प्रॉब्लम है कि कार्ड में प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको क्या करेंगे, जैसे आपको कार्ड को चेक करना है। सपोज कार्ड कैसे चेक करोगे कि आपका कार्ड में प्रॉब्लम है, क्योंकि कॉयल आपने चेक कर ली, कॉयल का रेजिस्टेंस आपने चेक किया, कॉयल का रेजिस्टेंस ठीक आ रहा है, तो अब आपको डाउट होगा कि कार्ड सही है कि नहीं है सही। तो उसके लिए क्या करना है, आपको जस्ट लिंक ओपन कर लीजिए उसका, मतलब SSC 1 SSC 2 का, मतलब आपका TX 1 TX 2 का लिंक ओपन कर लीजिए। तो ट्रांसमिटिंग कॉइल का जब लिंक ओपन करेंगे, ओपन वोल्टेज चेक करेंगे, तो आपका कम 45 वोल्ट के आसपास आएगा, 40 to 50 वोल्ट के बीच में मिलेगा आपको लगभग ओपन वोल्टेज ट्रांसमिटिंग कॉइल का। और जो रिसीविंग कॉइल का है उसका, आप सब लोग सुन पा रहे हैं ना मेरी बात? हाँ सुन पा रहा हाँ हूँ। जी, हाँ जी सर, जी हाँ सर। ठीक है, ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए, आप ये सब चीजें नोट करने वाली हैं इसमें, तो मैं आपको ब्लॉक डायग्राम है उसमें दिखा रहा हूँ। तो आप हाँ लिखिए, आप जैसे सपोज आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपको SSC कार्ड है, SSC कार्ड का आउटपुट वोल्टेज चेक करना है। फर्स्ट क्या देखना है आपको SSC कार्ड में, SSC कार्ड में आपका TP कौन, आप जैसे ट्रॉली प्रोटेक्शन कनेक्टेड है तो TP कौन का इंडिकेशन आएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रॉली प्रोटेक्शन कॉन्टेक्ट, TP कौन। हाँ, फिर आपका LD ओके है, पल्स ओके है, ऑस्किलेशन ओके है, सॉरी हमने उल्टा, और पहले ऑस्किलेशन आएगा, हाँ LD ओके आएगा, पल्स ओके आएगा, ठीक है। तो ये सारे इंडिकेशन आपको SSC 1 SSC 2 कार्ड में मिलने चाहिए। और आपका जो SSC 1 कार्ड है आपका इंटरचेंजेबल नहीं है, SSC 1 कार्ड आपका 21 kHz फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, और SSC 2 आपका 23 kHz फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, ठीक है। तो क्या होता है कि SSC 1 कार्ड का क्या काम है, नॉर्मली जो आपका TX 1 है, आपका TX 1 में 21 kHz फ्रिक्वेंसी रहती है, और TX 2 में 23 kHz फ्रिक्वेंसी रहती है, ठीक है। ऐसे ही RX 1 में 21 kHz फ्रिक्वेंसी रहती है, RX 2 में 23 kHz फ्रिक्वेंसी रहती है। SSC 1 कार्ड है हमारा 21 kHz फ्रिक्वेंसी के लिए काम करता है, SSC 2 कार्ड हमारा 23 kHz फ्रिक्वेंसी के लिए काम करता है, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, जस्ट नॉर्मली आपका कुछ प्रॉब्लम हुआ, जैसे SSC कार्ड में 2.2 आउटपुट वोल्टेज नहीं आ रहा है, 2 वोल्ट से कम हो जा रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करोगे कि कहीं ऐसा तो नहीं, पल्स ओके, LD ओके और ऑस्किलेशन ओके इंडिकेशन में से कोई एक LED ग्लो नहीं कर रही है, पहले तो आप ये चेक करोगे। सपोज आपका ग्लो कर रहा है, ठीक है, फिर भी वोल्टेज कम है, तो आप क्या क्या चेक करेंगे, फर्स्ट उसका रेजिस्टेंस चेक करेंगे कॉइल का। कॉइल का रेजिस्टेंस आपका ट्रांसमिटिंग कॉइल का 1 से 2 ओम के बीच में होना चाहिए ट्रांसमिटिंग कॉइल का रेजिस्टेंस, और रिसीविंग कॉइल का TX 1 TX 2 का सेम आएगा, 1 से 2 ओम के बीच में होना चाहिए। रिसीविंग कॉइल का आपका आना चाहिए 2 से 3 ओम के बीच में, ठीक है। तो ये आपको कंपलसरी राइट लिख लीजिए कहीं पे। हाँ, उसके बाद आप क्या करोगे कि जैसे आपको SSC 1 SSC 2 कार्ड चेक करना है कि आपका SSC 1 SSC 2 कार्ड में प्रॉब्लम तो नहीं है, तो आप क्या करोगे, लिंक डिस्कनेक्ट कर दोगे ट्रांसमिटिंग कॉइल का। और लिंक डिस्कनेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे कि ओपन वोल्टेज चेक करोगे, तो आपको जो ट्रांसमिटिंग कॉइल का जो वोल्टेज मिलेगा आपको 45 वोल्ट के आसपास मिलेगा, एसी, राइट, एसी वोल्टेज मिलेगा इसमें 45 मैक्सिमम वोल्ट कार्ड कितने होते हैं? इसमें 7 कार्ड्स होते हैं टोटल। टोटल नहीं, मैक्सिमम 7 कार्ड ही होते हैं या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं? नहीं, 7, देखिए जो आपको ब्लॉक डायग्राम दिख रहा होगा, SSC 1 SSC 2 MLB 1 MLB 2
मॉडम, रिले ड्राइवर और डीसी डीसी कन्वर्टर कार्ड, टोटल आपके 7 कार्ड है इसमें, ठीक है। तो ये आपके टोटल 7 कार्ड होते हैं, 7 कार्ड से ही पूरा मतलब इक्विपमेंट वर्क करता है। ओके हाँ, अब देखिए क्या है, ट्रांसमिटिंग कॉइल को अगर हमें हम मैं आपको बता रहा था SSC1 SSC2 कार्ड को हम कैसे चेक करते हैं, किस तरह से ये डिफेक्टिव है या अच्छा है कार्ड, उसके लिए हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट क्या करेंगे आप, ट्रांसमिटिंग कॉइल का लिंक ओपन करेंगे आप। लिंक ओपन करने के बाद में क्या देखेंगे, उसका जो जो ओपन वोल्टेज है वो 45 वोल्ट के आसपास मिलेगा, ठीक है। और जो फ्रिक्वेंसी मिलेगी आपको 3.5 से 5 किलोहर्ट्स के बीच में मिलेगी उसकी फ्रिक्वेंसी, ओपन ओपन जब करेंगे आप उसको। सेम ऐसे ही आपका रिसीविंग कॉयल है, रिसीविंग कॉयल को देखना है तो आप कैसे करेंगे, रिसीविंग कॉयल की जो आपको वोल्टेज मिलेगा वो 30 मिली वोल्ट से कम मिलेगा उसमें, लाइक 25 मिली वोल्ट और 20 मिली वोल्ट, इससे इतना मिलेगा आपको ओपन वोल्टेज, राइट। तो आप इस तरह से आप अपना SSC1 SSC2 कार्ड चेक कर लोगे कि किस तरह से हम हमारा मतलब हमारा SSC1 कार्ड में प्रॉब्लम है, SSC2 में है या कॉइल में प्रॉब्लम है, तो इस तरह से आप चेक कर लोगे। अभी क्या होता है, जैसे डीसी डीसी कन्वर्टर कार्ड में हमारी सप्लाई गई, डीसी डीसी कन्वर्टर कार्ड से हमारी SSC1 SSC, ये हम आपको ब्लॉक डायग्राम के बारे में बता रहे हैं कैसे कर कैसे कैसे रीड करते हैं इसको। डीसी डीसी कन्वर्टर कार्ड से पहले फर्स्ट SSC1 SSC2 कार्ड में हमारी सप्लाई गई। अभी SSC1 SSC2 कार्ड सप्लाई जाने के बाद में वो ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग कॉइल को जनरेट में वोल्टेज जनरेट करने लगता है। आपका वोल्टेज अगर आपका कनेक्ट होगा तो आपका 2.2 वोल्ट आने लगेगा आपका आउटपुट वोल्टेज SSC कार्ड में, और उसके बाद फिर वो अपना वोल्टेज जनरेट करने लगेगा ट्रांसमिटिंग रिसीविंग में, वो अपना फंक्शन करने लगेगा। फिर क्या होगा, जैसे ट्रेन का मूवमेंट होगा ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग कॉइल के ऊपर से ट्रेन का मूवमेंट होगा, तो क्या होता है फ्लक्स कट होते हैं इसमें। फ्लक्स कट होके आपका जो जैसे ही फ्लक्स कट होगा तो वो इंफॉर्मेशन SSC1 SSC2 कार्ड अपना MLV1 MLV2 को इंफॉर्मेशन भेजते रहते हैं, टाइम मतलब इमीडिएटली स्टार्ट कर देते हैं। MLV1 MLV2 को इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर अलग अलग, SSC1 भी MLV1 को इंफॉर्मेशन भेजेगा, SSC2 भी MLV1 कार्ड को इंफॉर्मेशन भेजेगा। सपोज इसने 10 फ्लक्स कट हुए, तो उसने SSC1 कार्ड ने काउंट किया, 10 फ्लक्स कट हुए, उसको इन्फॉर्मेशन भेज दी MLV1 कार्ड में। SSC2 कार्ड ने भी मतलब 10 काउंट गए, 10 व्हील गए, तो SSC2 कार्ड ने भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी और MLV1 कार्ड को इन्फॉर्मेशन भेज दी। MLV1 कार्ड को इन्फॉर्मेशन SSC1 ने भी भेजी, SSC2 ने भी भेजी। सेम SSC1 कार्ड MLV2 कार्ड को भी इन्फॉर्मेशन भेजेगा और SSC2 कार्ड भी मतलब MLV2 कार्ड को इन्फॉर्मेशन भेजेगा। तो SSC1 ने भी 10 काउंट भेजे, SSC2 में भी 10 काउंट भेजे, MLV1 में MLV2 में। अब क्या करेगा, MLV1 MLV2 कार्ड दोनों आपस में वेरीफाई करेंगे कि आपने कितना काउंट किया, हमने कितना काउंट किया। जैसे MLV1 कार्ड ने 10 काउंट किया, MLV2 कार्ड ने 10 काउंट किया, आपस में सिंक्रोनाइज हो गया कि हाँ आपने 10 काउंट किया, मैंने 10 काउंट किया, दैट मीन्स ओके। ये क्या करेगा, MLV कार्ड मतलब SSC1 SSC2 कार्ड की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके सीधे क्या करेगा, मॉडम कार्ड को इन्फॉर्मेशन भेजेगा। मॉडम कार्ड क्या करेगा, मॉडम कार्ड वो जो इन्फॉर्मेशन होगी वो होल्ड रखेगा अपने पास में, और वो होल्ड करके वो इन्फॉर्मेशन वाया कम्युनिकेशन केबल के थ्रू अदर इक्विपमेंट को भेजेगा। जैसे सपोज ए स्टेशन और बी स्टेशन है, जैसे सपोज तो ए स्टेशन से 10 व्हील चले गए, तो वो इन्फॉर्मेशन मॉडम कार्ड ने कलेक्ट कर ली कि यहाँ से 10 व्हील चले गए। अभी क्या करेगा, ये 10 व्हील की इन्फॉर्मेशन अदर इक्विपमेंट को भेज देगा, बी स्टेशन को भेजेगा। अब जब ये 10 व्हील अदर साइड में जाएंगे, तो अदर साइड में जाएंगे तो वहां पे भी सेम प्रोसेस होगा, और सेम प्रोसेस होने के बाद वो भी इन्फॉर्मेशन मॉडम कार्ड को दे देगा, और वो मॉडम कार्ड इधर इन्फॉर्मेशन भेजेगा, और इधर का तो ऑलरेडी भेज चुका है, 10 10 व्हील गए हैं, और उधर का भी जब सेम वहां भी 10 व्हील जाएंगे तो वहां की भी सेम इन्फॉर्मेशन वो इधर भेजेगा। और फिर जब दोनों इक्वल इक्वल हो जाएंगे तो वो क्या करेगा, वाइटल रिले वाला आपको VR जो आपका ये आपका रिले ड्राइवर कार्ड है वो उसको इन्फॉर्मेशन देगा, और क्योंकि दोनों इक्वल हो गए काउंट, मॉडम कार्ड में 10 इधर 10 उधर इक्वल काउंट, वो इन्फॉर्मेशन रिले ड्राइवर को भेजेगा, और रिले ड्राइवर क्या करेगा, तुरंत ही VR रिले पिकअप कर देगा और सेक्शन क्लियर हो जाएगा। इस तरह से ये काम करता है,
और दूसरी चीज ये है इसमें कि देखिए हमेशा इसको लगाने का भी तरीका है, जैसे ए स्टेशन में अगर आपने लेफ्ट रेल में लगाया है, सपोज जैसे आप सेक्शन में मतलब लोकेशन पे खड़े हैं, लोकेशन में खड़े हो, सर ये मॉडम जो है दूसरे स्टेशन के मॉडम को इंफॉर्मेशन भेजेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपस में दोनों एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन भेजते हैं मॉडम कार्ड। हाँ अभी जैसे सपोज आप ऐसा मतलब आपको ये एक चीज में जरूर ध्यान रखने वाली चीज है कि सेम रेल में लगना चाहिए। सेम रेल मींस ऐसा हो गया कि जैसे सपोज आप ए स्टेशन पे खड़े हुए हैं, ए स्टेशन में आपने क्या किया है, मतलब ट्रैक पे खड़े हो गए, ट्रैक पे खड़े होने के बाद में आप स्टेशन की साइड मतलब सेक्शन की साइड फेस करेंगे, सेक्शन की साइड फेस करने के बाद आपका जो कॉइल लगा हुआ है वो लेफ्ट रेल में लगा हुआ है कॉइल, ठीक है, लेफ्ट रेल में कॉइल। तो आप बी स्टेशन पर जब जाएंगे तो अपना फेस कहाँ करेंगे, स्टेशन की साइड में, स्टेशन की साइड में फेस करेंगे तो आपका जो लेफ्ट हैंड होगा उसी पे आपका कॉइल बनना चाहिए, मतलब सेम रेल में, लेफ्ट रेल में इधर बना हुआ है तो लेफ्ट रेल में बी स्टेशन पे भी बांधना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप ये चीज ध्यान, ये बहुत जरूरी चीज है कि सेम रेल में लगाना चाहिए। अगर डिफरेंट डिफरेंट रेल में कर देंगे, जैसे सपोज एक साइड में लेफ्ट रेल में लगा दिया, दूसरे साइड में राइट रेल में लगा दिया, तो सिस्टम क्लियर नहीं होगा, फेल रहेगा सिस्टम, ठीक तो है। रेल तो कोई सी भी ठीक यूज है, कर सकते हैं ना, लेफ्ट और राइट? नहीं, सेम रेल में लगाना चाहिए, सेम नहीं, सेम रेल रेल में। जैसे हमने अगर उधर राइट लगाई है तो इधर भी राइट लगा सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो कर सकते हैं, ये नहीं कि एक साइड लेफ्ट में अदर साइड राइट में, वो नहीं करना है। अगर इधर राइट में लगाए हैं तो उधर राइट में भी उधर उधर भी राइट ही में लगाएंगे। तो अच्छा सर, इस जो TX जो 21 का होता है और 23 का होता है, तो हाँ दोनों साइड जैसे 21 का इस साइड लगाया है 23 का, तो उसका दूसरे रेल पर जो लेफ्ट में ही लगाएंगे तो 23 का पहले 21 का ऐसे लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल, जैसे सपोज आपका सिंगल रेल है आपका, ठीक है, हाँ सिंगल रेल में क्या होता है कि ट्रेन तो दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट करती है। तो एक इधर से आप लगाएंगे तो फर्स्ट 21 से 23 की तरफ जाएगा, उधर उधर अगर जैसे सपोज ए से बी की साइड में ट्रेन जा रही है तो फर्स्ट 21 और 23 से होते हुए जाएगी उधर, ठीक है, फिर उधर भी 21 से 23 की तरफ जाएगी। अब अगर सपोज बी से ए की तरफ जाएगी तो पहले 23 में ही आएगा ना आपका, हाँ हाँ 23 से 21, 23 से 21, इस तरह से आएगा ये। हाँ अच्छा तो इस तरह से आप इसका ये फंक्शन है इसका, इस तरह से आप मतलब ये इसका ब्लॉक डायग्राम है, इसको इस तरह से आप बनाएंगे, मतलब इस तरह से आप देखेंगे इसको। अब मैं आपको दूसरा स्लाइड दिखाता हूँ। ये नॉर्मली देखिए, मैंने आपको बताया कि कार्ड्स, इसके कार्ड डिटेल दिए हुए हैं इसमें, एक कार्ड इवेंट लॉगर कार्ड भी होता है, 8 कार्ड होते हैं टोटल। हाँ एक कार्ड और छूट गया था, इवेंट लॉगर कार्ड। इवेंट लॉगर कार्ड का नॉर्मली काम है डाटा उससे कलेक्ट करना, उसमें से डाटा कलेक्ट करता है इसमें, जिससे कि मतलब जो जैसे सपोज फेलियर के टाइम में जैसे फेल हुआ सिस्टम और नॉर्मली रिसेट कर दिया और आपका क्लियर हो गया, फिर आप कैसे देखेंगे, तो उसके लिए एक इवेंट लॉगर कार्ड होता है। इसमें क्या होता है कि करीबन 1600 पेजेस होते हैं इसमें, 1600 पेजेस तक मतलब इस नॉर्मली 5 MB तक डाटा स्टोर कर, सॉरी 2 MB तक डाटा स्टोर करके रखता है वो, 2 MB डाटा स्टोर करता है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब नया आता जाएगा पीछे वाले ऑटोमेटिक डिलीट होते जाएंगे, ठीक है। इस तरह से इसमें डाटा कलेक्ट होता रहता है और आप कभी भी देख सकते हो, मतलब 2 MB के अंदर अंदर डाटा को उसमें देखा जा सकता है उसमें इवेंट लॉगर कार्ड में। ये आपके इसमें सेकंड थर्ड पेज में आपका देखिए ये सब दिखाया हुआ है, SSC 1 कार्ड, SSC MLB कार्ड, इवेंट लॉगर कार्ड, मॉडम कार्ड, रिले ड्राइवर कार्ड, DC-DC कन्वर्टर कार्ड, ये दिए हुए हैं इसमें। और ये मैंने आपको बताया था ना कि हाई फ्रिक्वेंसी में काम करता है, 20 और 23 kHz ट्रांसमिटिंग रिसीविंग कॉयल, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड डिजाइन विथ 2 out of 2 डिसीजन, मतलब ये दिखाता है कि इन आउट दिखाने के लिए 2 out of 2 डिसीजन होते हैं। V2 V21 मॉडम इस पे फंक्शन काम करता है। ऑप्टो आइसोलेटेड रिले ड्राइवर कार्ड है, एक रिले ड्राइवर कार्ड में एक ऑप्टो कपलर IC लगी होती है, तो उसके लिए हमारा 15 वोल्ट आइसोलेटेड यूज करते हैं उसको, तो इसमें ऑप्टो ऑप्टो आइसोलेटेड रिले ड्राइवर है, इवेंट लॉगर कार्ड है। तो इसमें आपको एक कार्ड का डिटेल दिया हुआ है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कार्ड कौन कौन से यूज करते हैं इसमें। ये आपका है रीसेट बॉक्स,
रीसेट बॉक्स में क्या होता है कि इसमें नॉर्मली आप यूज करते हैं रिले ड्राइवर, इसमें रीसेट बॉक्स में आपके टोटल 7 वायर यूज करते हैं, 7 वायर यूज करते हैं। 1 एंड 2 पे 24 वोल्ट सप्लाई रहती है, 3 एंड 4 पे आपका 48 वोल्ट का रहता है, 5 पे आपका प्रिपेटरी इंडिकेशन के लिए एक वायर लगाते हैं, और 6 और 7 में कोई वायर नहीं लगाते हैं, 8 में आपका ऑक्यूपाई रहता है, 9 में क्लियर का इंडिकेशन के लिए वायर लगाते हैं, ठीक है। फिर 10, 11, 12 में कोई वायर नहीं लगाते हैं, 10, 11, 12, 13, 14 पे कोई वायर नहीं लगाते हैं, 15, 16 में 2 डिस्प्ले के वायर लगाते हैं बस, जो आपके लोकेशन से आते हैं आपके पास, ठीक है। तो इसमें ये दिया हुआ है, ये इसमें क्या होता है इंफॉर्मेशन, इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे भी आप देख सकते हैं कि क्या एरर कोड आया है आपका, जो इसमें आप दिख रहा है ना आपको एक रेड बटन करके, रेड बटन को रीडिंग कर रहा है दोनों तरफ और रीसेट बॉक्स में फेलियर दिखा रहा है, तो क्या देखना चाहिए? क्या कह रहे हैं आप, फिर से बोलिए जरा। रीडिंग दोनों तरफ सेम बता रहा है, हाँ। और रीसेट बॉक्स में फेलियर दिखा रहा है स्टेशन मास्टर के बॉक्स में, तो हमें क्या देखना चाहिए? अच्छा देखिए, अगर दोनों की रीडिंग सेम होगी, दोनों की, अब इसमें क्या होता है, इसमें इंडिकेशन दिया रहता है लोकल और रिमोट का, तो लोकल में कितने व्हील आए वो आपको दिखेगा और रिमोट में कितने व्हील आए वो दिखेगा आपको, और उसके बगल में जस्ट मतलब एरर कोड दिखाता है। अगर एरर कोड कुछ भी नहीं है तो 00 दिखाएगा, अगर एरर कोड है तो आपका दिखाएगा, जो भी एरर कोड है वो दिखाएगा आपका, और साइड में जो भी एरर कोड होगा वो डिस्प्ले होगा आपका बगल में उसके, उसमें कि एरर कोड, जैसे सपोज आपका एरर कोड 30 है, 30 तो उसमें दिखाएगा लिंक एरर, लिंक एरर शो करता रहेगा, लिख के आता रहेगा बार बार आपको, तो उस तरह से आप जो भी एरर कोड है उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे, उसको देखेंगे। और आपका रेड इंडिकेशन आएगा, हाँ, ये एरर कोड जो भी आएगा ना रीसेट बॉक्स में, उस वो एरर कोड आपका दिखता रहेगा, आपको दिखाएगा उसमें आपके, हाँ, आवाज नहीं आ रही क्या? अरे सर, ये बताइए सर, अगर रीसेट बॉक्स हमारा रिवर्स काउंट ले रहा है, उसका रीजन क्या है? रिवर्स काउंट ले रहा है, मतलब उल्टी साइड से काउंट ले रहा है, मतलब ज्यादा से कम की ओर। अच्छा, तो उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन देखिए क्या होता है, जैसे ट्रेन जब ये नॉर्मली ये इस तरह की चीजें सिंगल सेक्शन में होती है इस तरह से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब ट्रेन 21 से मतलब ए से बी के साइड में जाएगी, क्योंकि ए साइड ए स्टेशन है, एंट्री लगा हुआ है, बी स्टेशन में एग्जिट लगा हुआ है, जब एंट्री से एग्जिट की साइड ट्रेन जाएगी तो काउंट इंक्रीज होते जाएंगे बार बार, जितनी बार जितनी भी ट्रेन जाएंगी सब इंक्रीज, काउंट इंक्रीज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से काउंट इंक्रीज होंगे, और जब बी से ए की साइड स्टेशन ट्रेन आएगी तब काउंट डिक्रीज होंगे उसमें जी। हाँ, जैसे क्योंकि ये 21 से 23 की तरफ जा रही है, वो उधर 23 से 21 की साइड आ रही है, इसलिए वो काउंट डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका इसमें आपका क्या है कि नॉर्मली मतलब आपका जो है रीसेट बॉक्स में नॉर्मली आप देखेंगे कि 10 एरर कोड्स शो करते हैं इसमें। हेलो सर, हाँ, आवाज नहीं आ रही है, आवाज मिल रही है। काउंटिंग जब डिक्रीज होती है तो अपने सिस्टम को कैसे पता चलता है कि वो कितने नंबर से डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा? नहीं नहीं, कितने नंबर से नहीं, जब भी आपका काउंटिंग नॉर्मली, ये आपका जो काउंटिंग है जो रीसेट बॉक्स में आता है, 0 से लेकर 16,384 तक काउंटिंग जाता रहता है आगे जी। हाँ, 0 से लेकर 16,384 नहीं, जैसे आपने बोला ए से बी की तरफ जाएगी तो इंक्रीज होगी 1, 2, 3, 4, 5, जब ए की तरफ आएगी तो कहां से डिक्रीज होना स्टार्ट करेगी? जहां से देखिए, जैसे सपोज आपका रीसेट बॉक्स में ए से बी की तरफ ट्रेन गई, आपके आ गए 100 व्हील आ गए सपोज, ठीक है, राइट। तो आपके रीसेट बॉक्स में 100 व्हील है शो कर रहा है इस समय, लोकल में 100, रिमोट में 100, ठीक है। अभी क्या होगा, नेक्स्ट ट्रेन अगर सपोज आपकी बी से ए की तरफ आएगी और उस ट्रेन में मान लीजिए सपोज 60 व्हील है जी, तो वो 60 व्हील है तो 100 से 60 डाउन, 60 माइनस हो जाएगा, तो मतलब 40 हो जाएगा।
नहीं 100 से 60 माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर इधर से ए से बी की तरफ छोटी गाड़ी गई है और बी से ए की तरफ जो बड़ी गाड़ी आ रही है, मान लीजिए लॉन्ग हॉल आ रहा है या कोई छोटी पैसेंजर ए से बी की तरफ गई है, फिर कैसे काउंट करेगा? हाँ, उसके लिए भी देखिए क्या है, जैसे सपोज जैसे मैं आपको बताया ना कि जो भी काउंटिंग है मैक्सिमम जीरो आवाज नहीं मिल रही है सर, किसी को आवाज मिल रही है क्या? नहीं नहीं आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही तो? हाँ अभी आ रही है आवाज। हेलो जी, हाँ आ रही है। हाँ वो थोड़ा सा आ रही है, आ रही है आवाज, मिल रही है आवाज, मिल रही है सिर्फ आ रही हमको तो। अच्छा अच्छा देखिए, हाँ, बता रहे जीरो, जीरो से काउंट बता दे कुछ। हाँ मैंने ये बताया, ये जो काउंटिंग होती है वो जीरो से लेकर 16384 तक काउंटिंग आती है उसमें, रीसेट बॉक्स में 16384 के बाद में ऑटोमेटिक 00 हो जाता है और उसके बाद फिर वो फिर दोबारा स्टार्ट कर देता है, राइट? फिर जीरो से लेता है, ठीक है। अभी आपका क्वेश्चन ये है कि जैसे सपोज ए से बी की तरफ गई काउंटिंग, तो मान लीजिए सपोज 60 व्हील की ट्रेन गई आपकी, 60 व्हील की ट्रेन गई, उसके बाद में 60 व्हील से और उधर से 100 व्हील की ट्रेन आ गई। हाँ उधर से 100 व्हील की ट्रेन आ गई वहां से, ठीक है जी जी। आपका क्वेश्चन ये है, तो उसमें एक्चुअली क्या होता है, इसमें जो भी काउंटिंग होती है वो हेक्साडेसिमल में होती है, ठीक है, हेक्साडेसिमल में। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप इस तरह का आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा कि जैसे जो भी काउंट होगा उतना ही दिखाएगा आपको। उधर से आएगा तो आपका काउंट डिक्रीज होगा, इधर से एंट्री से एग्जिट की साइड जाएगा तो इंक्रीजमेंट होगा, एग्जिट से एंट्री की साइड आएगा तो डिक्रीमेंट होगा काउंट, बस इतना आप कॉन्सेप्ट रखिए। वो व्हील आपको जो आप कह रहे हैं ना वो आपको सेम ही दिखाएंगे आपको व्हील, उसमें कोई वो डिफरेंस नहीं आएगा आपका में, ठीक है सर। अगर जैसे 24 बोल्ट हमारी आती है सिस्टम में, 24 बोल्ट ना आके हमारी कितने कम बोल्ट तक में चल सकती है, हमारी केबल कोर बैठी है जैसे, तो कितने तक में हमारा सिस्टम चल जाएगा? देखिए मैं आपको बताऊं क्या होता है, जैसे हम लोग जो रिले, आप लोग रिले यूज करते हो वीपीआर में, वीपीआर रिले, आप ये बताओ मुझे कि रिले कितने कितने वोल्ट तक आप पिकअप करा सकते हो, वीपीआर रिले को आप कितने वोल्ट तक पिकअप करा सकते हो, आप बताइए मुझे। समथिंग 16 वोल्ट? नहीं नहीं 16 वोल्ट तक कभी भी पिकअप नहीं होगी आपके रिले, आपकी मिनिमम 18 वोल्ट रिक्वायर्ड रहती है मिनिमम, वो भी 1K वाली, 1K जो रिले होती है वो 18 वोल्ट पे ऑपरेट होती है, ठीक है। तो अभी क्या है आप, तो अभी क्या है आपको वो रिले को देखो, अभी आप जैसे सपोज लोकेशन है, लोकेशन पे आप मैं आपको बताता हूँ 27-28 वोल्ट आप रखिए लोकेशन पे सप्लाई, ठीक है। अभी क्या है लोकेशन पे सप्लाई हमने जैसे 27 दी लोकेशन पे विदाउट लोड, और जब हम लोड पे उसको लगाए सिस्टम को लोड पे डालेंगे तो ऑलमोस्ट 1 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा उसमें, ठीक है, क्योंकि जो हमारा जो सिस्टम है वो करीबन 0.8 एम्पियर करंट लेता है, ठीक है सिस्टम हमारा, तो थोड़ा 1-2 वोल्ट ड्रॉपेज हो जाएगी। 20 आप ओपन पे देखेंगे तो 27-28 के आसपास सप्लाई दीजिए, आप लोड पे डालेंगे तो ऑलमोस्ट 26 के आसपास आ जाती है। अभी क्या है 26 पे सपोज आ गई लोकेशन पे, तो आप वही रिले पिकअप हुआ वीआर जो रीसेट बॉक्स होता है उसमें वीआर बॉक्स होता है, वीआर बॉक्स में रिले पिकअप हुआ, रिले पिकअप होने पे 26 वोल्ट है आपकी वहां पे, जो वीपीआर वीआर चेक करेंगे तो वहां पे 26 वोल्ट है, और वहां से यहां तक आने में रिले रूम में आने में जो भी आपका केबल का पैरामीटर होगा, केबल पैरामीटर ठीक नहीं होता है या जैसा भी है जितना लॉस हो रहा है उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा उसमें कि कितना लॉस हो रहा है केबल में। तो जैसे सपोज 1 वोल्ट ड्रॉप हुआ वहां से रिले रूम में आने में तो कितना होगा 25 वोल्ट नॉर्मली रिले पिकअप करा देगा 25 वोल्ट से। तो आपकी जो बात है कि कितना मिनिमम कितना होना चाहिए, तो मैं आपको नॉर्मल बताता हूँ कि मिनिमम आप 21-22 कम से कम रिले रूम में रखना चाहिए आपको, ठीक है,
क्योंकि क्या होता है, हम लोग तो प्रोवाइड कराते हैं आप लोगों को जो रिले रीसेट बॉक्स के लिए रिले प्रोवाइड कराते हैं, वो 1000 ओम की रिले क्यूएन टाइप की हम प्रोवाइड कराते हैं आपको, ठीक है, तो वो मिनिमम वोल्टेज पे भी पिकअप हो जाती है वो, ठीक है, लेकिन आप लेकिन आपका जो रिले रूम में आप लोग यूज करते हो वो 1000 ओम की रिले नहीं रहती है, वो कभी आप 220 ओम्स की लगा दिए, कभी 350 ओम्स की रिले लगा दिए, इस तरह की रिले यूज कर, नॉर्मली जो एज ए स्टैंडर्ड है वो हम आपको आपको वहां पे जो वीआर पीआर रिले लगाते हैं वहां पे भी 1000 ओम की रिले लगानी चाहिए कंपलसरी, जिससे कि मिनिमम वोल्टेज में भी पिकअप हो जाए वो, तो तब आप ना 18 वोल्ट भी आएगा तो भी आपका सिस्टम पिकअप हो जाएगा। तो आपको जो वीपीआर है, वीपीआर में जो रिले रूम में चेक करते हो कंपलसरी है आपका मिनिमम 21-22 वोल्ट आना चाहिए कंपलसरी यहाँ पे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप देखिए। अभी आपका क्या है, रीसेट बॉक्स है, रीसेट बॉक्स में क्या होता है, जो आपका रेड बटन दिख रहा है ना आपको, इस रेड बटन को आप प्रेस करेंगे कंटिन्यूस, एक मिनट तक प्रेस करके रखेंगे तो लास्ट 10 एरर शो करेगा, जो आपके नेक्स्ट कभी फेल हुए होंगे इसके पीछे वो एरर शो करेगा। तो इसका नॉर्मली रीसेट करने के लिए एक SM की है और एक रीसेट बटन है, उन दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे तो आपका ये मतलब आपका ये रीसेट हो जाएगा, 48 वोल्ट रीसेट प्रोवाइड कराएगा, और आपका 3 और 4 पे आप चेक, जब आप दोनों प्रेस करेंगे तो बैक साइड में 3 और 4 रहता है कनेक्टर, 3 और 4 पे वोल्टेज चेक कर लीजिए कितना वोल्टेज यहाँ से आउट हो रहा है उसका रीसेटिंग के लिए। कभी कभार क्या होता है रीसेट नहीं हो रहा है, आप पता नहीं रहता है कि क्यों नहीं रीसेट हो रहा है, तो यहाँ फर्स्ट आप यहाँ लोकली चेक कर लीजिए 48 वोल्ट यहाँ से आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर आपको रिले मतलब रीसेट बॉक्स में वहां पर लोकेशन बॉक्स में वहां पे भी चेक करना है कि कितना वोल्ट वहां से। कभी कभार क्या होता है कि केबल ज्यादा खराब हो जाती है, केबल ज्यादा खराब हो गई तो उस समय भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि मतलब वोल्टेज डाउन हो जाता है उसका, जैसे यहाँ से 48 वोल्ट गया वहां पे पहुंचते पहुंचते 30 वोल्ट रह गया, तो 30 वोल्ट पर रीसेट नहीं होगा वहां पे, कम मिनिमम आपको 40 वोल्ट आना चाहिए, 40 वोल्ट के नीचे अगर पहुंचा तो रीसेट नहीं होगा सिस्टम, जिसका टाइम जो रीसेट विंडो है वो 40 वोल्ट के आसपास है, 40 वोल्ट तक आएगा तो रीसेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका रीसेट बॉक्स है, रीसेट बॉक्स की अगर आपको वायरिंग लिखनी है तो आप लिख सकते हो रीसेट बॉक्स की वायरिंग कैसे क्या है, लिखना चाहते हैं क्या? यस सर, लिखवा दीजिए। हाँ लिख लो जरा रीसेट बॉक्स की वायरिंग। आप देखिए जो रीसेट बॉक्स के पीछे बैक टर्मिनल है, बैक टर्मिनल्स में आपको नॉर्मली 1 और 2 में आपको 24 वोल्ट सप्लाई रहती है, ठीक है, और 3 और 4 में आपका 48 वोल्ट सप्लाई देते हैं हम लोग, जब हम लोग ये SM की और रीसेट बटन प्रेस करेंगे तो 48 वोल्ट आएगा वहां पे आपको मिलेगा आपको। एंड 5 नंबर में आपका, 5 नंबर में आपको ये मिलेगा आपको प्रिपेटरी के लिए, प्रिपेटरी इंडिकेशन के लिए, एंड 5, 6 और 7 ओपन रहेगा, 8 में आपको ऑक्यूपाई का इंडिकेशन आएगा और 9 में आपको क्लियर का इंडिकेशन आएगा। तो ये और फिर आपका जो लास्ट के 2 टर्मिनल्स होंगे ना बैक 15-16 उसमें आपका डिस्प्ले का वायर आएगा आपके। हाँ बोलिए, हाँ बताइए सर। अच्छा हाँ रिपीट, ओके ओके, 1 और 2 24 वोल्ट सप्लाई, 3 और 4 रीसेट, 5 48 हाँ हाँ वही 1 और 2 24 वोल्ट सप्लाई, 3 और 4 48 वोल्ट फॉर 48 वोल्ट फॉर रीसेट, ऐसे बोल लिख लो आप, 48 वोल्ट फॉर रीसेट 3 और 4, 5 फॉर प्रिपेटरी इंडिकेशन, 6 और 7 will be not used, है? 8 will be occupy, occupy indication. 6 और 7 is spare है ना? हाँ spare. 8 will be occupy indication. Will be occupy. हाँ and 9 will be a clear indication. अदरवाइज आप देखोगे आपका रीसेट बॉक्स में बैक साइड में भी वायरिंग डायग्राम लिखा दिया रहता है आपका, तो वहां से भी आप देख सकते हो। और आपका जो 15-16 है लास्ट में, जो लास्ट टर्मिनल्स हैं उसमें आपका डिस्प्ले आएगा, मोड क्या आपको मॉनिटर कपलर से आएगा वायर, वो उसको बोलते हैं डिस्प्ले, फॉर यूज फॉर डिस्प्ले,
जो आपका इंडिकेशन आता है यहाँ पे लिख के आता है ना वो डिस्प्ले, उसी से उसी लास्ट टू वायर से ही आता आरबी मॉडम। हाँ आरबी मॉडम बोलते हैं उसको, उसको नॉर्मली डिस्प्ले ही बोलते हैं और डिस्प्ले। जैसे देखिए बताइए। हाँ बोलिए। जैसे कि मान लीजिए नॉर्मल हमारे पास रिशेट बॉक्स नहीं है, हाँ 48 वोल्ट हमारी साइड से नहीं पहुंच रही है, हाँ हाँ, सिस्टम को हमको रिसेट करना है तो कैसे करेंगे? देखिए सिस्टम को रिसेट करने के लिए नॉर्मली क्या है कि सिस्टम को हमें 48 वोल्ट देना ही है उसमें जी, तो जी। आपके जो जो साथ वाले लोग हैं उनसे आप पूछ सकते हैं चीजें। तो नहीं, कुछ इसमें डाउट है, मुझे एक चीज है तो मैं वही पूछना चाह रहा था। जैसे कि मान लीजिए कहीं से पॉजिटिव की फास्ट सप्लाई अगर आ गई, जो हमारी यूनिट फेल है, एक मिनट, वन मिनट ऑक्यूपाइड, हाँ हाँ, तब हाँ, क्या होगा सर? क्या कह रहे हैं फिर से बताइए। मैं कह रहा हूँ कि बीआर पे, हाँ, जो टर्मिनल है बीआर का लोकेशन में, हाँ हाँ, उसके अगर पॉजिटिव पे फॉल्स फीड कहीं से आ गई, हाँ, और उस दौरान हमारा जो है सिस्टम ऑक्यूपाइड है, तब सर क्या होगा? देखिए क्या है, जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका जो आपका ऑक्यूपाई स्टेज में है सिस्टम, तो फर्स्ट तो रीसेट ही नहीं होगा सिस्टम को, रीसेट ही नहीं होगा सिस्टम को, रीसेट नहीं होगा। हाँ रीसेट नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है ये मतलब जो जो आपका वीपीआर है, वीपीआर में क्या होता है कि वीपीआर पीपीआर जो आपका रिले रूम में लगे रहते हैं ना, रिले रूम में लगे रहते हैं वीपीआर पीपीआर, इसमें क्या होता है जब हम रीसेट करते हैं तो वीपीआर के बैक कॉन्टेक्ट को प्रूव करता है पहले जी, वीपीआर के बैक कंटेंट को प्रूव करता है और पीआर के बैक कंटेंट को प्रूव करता है, ठीक है, इन दोनों के बैक कंटेंट को प्रूव करके ही सप्लाई 48 वोल्ट आगे इक्विपमेंट की तरफ जाती है। क्योंकि रीसेट कंडीशन कब होती है? रीसेट कंडीशन तब होती है जब आपका पीआर ड्रॉप है, वीपीआर ड्रॉप है, तभी आपका तभी आपको रीसेट करने की जरूरत है ना जी जी। हाँ अदरवाइज रीसेट करने की जरूरत नहीं आपको। तो ऐसे कंडीशन जैसे आपका ऑक्यूपाई कंडीशन है, ऑक्यूपाई कंडीशन में तो प्रिपेटरी का तो कुछ भी मतलब नहीं है, प्रिपेटरी तो आपका मतलब प्रिपेटरी तो कोई फंक्शन में नहीं है, लेकिन वीपीआर आपका ड्रॉप है आपका उस समय जी। हाँ तो क्या कह रहे हैं, थोड़ा आवाज कट हो रही है, ऑटो रीसेट नहीं होता है? नहीं इसमें इसमें ऑटो रीसेट नहीं होता है आपका सर जी। हाँ हाँ सर जी, इसमें वन यूनिट फेल का इंडिकेशन जो होता है, जैसे सर कभी कभी आता है वन यूनिट फेल और साइड पे हम जाके देखते हैं तो हमारा दोनों सिस्टम सही रहता है, तो सर इंडिकेशन किस लिए आता है? वो इंडिकेशन नॉर्मली वो इंडिकेशन एच ए में आता है, वो इसलिए आता है जैसे सपोज जो आप सर एच ए का लगा है, आपके यहाँ एच ए का लगा, ठीक है मैं बता देता हूँ क्यों आता है वो इंडिकेशन। उसका इंडिकेशन आने का एक रीजन है, इंडिकेशन आने का रीजन ये है कि आपका जो डिस्प्ले आते हैं, चार डिस्प्ले आते हैं लोकेशन से, आपके चार डिस्प्ले के वायर आते हैं लोकेशन से, क्योंकि दो इक्विपमेंट है उसमें, ठीक है, तो चार इंडिकेशन, चार रीसेट बॉक्स, चार वायर आएंगे डिस्प्ले के लिए। अगर सपोज चार में से किसी दो वायर में, मतलब जैसे जैसे आपका जो कनेक्ट करते हो आपका 14, 15, 16, 17 में कनेक्ट करते हो डिस्प्ले के लिए बैक, उसमें रीसेट बॉक्स में, सपोज आपका 14-15 में आपका सप्लाई आ रहा है कुछ वोल्टेज, सपोज आपको 700 मिली वोल्ट आ रहा है इसमें, ठीक है 700 मिली वोल्ट मिल रहा है आपको 14-15 में 700 मिली वोल्ट मिल रहा है, लेकिन 16-17 में आपको कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है, कोई भी कुछ भी सप्लाई, कुछ भी वोल्टेज नहीं आ रहा है वहां पे, तो क्या होगा, इन्फॉर्मेशन आपके पास रीसेट बॉक्स के पास वो इन्फॉर्मेशन आ ही नहीं रही है लोकेशन से कि सिस्टम टू वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि वो मतलब वो इन्फॉर्मेशन तो इसी चार दो वायर में आएगी ना इन्फॉर्म मॉनिटर वहां से रीसेट स्टेशन क्या नाम लोकेशन बॉक्स से, आपकी यही दो वायर से आएगी, तो वो आप रीसेट बॉक्स को इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही है, इसलिए वो रीसेट बॉक्स शो कर रहा है कि वन यूनिट फेल। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको चेक करना है सिस्टम वन में, सपोज सिस्टम वन का ओके दिखा रहा है, सिस्टम वन का वर्क कर रहा है, सिस्टम टू में आपको देखना है, तो फर्स्ट आप जाएंगे लोकेशन पे, लोकेशन में देखेंगे आपका डिस्प्ले के लिए जो आपका डिस्प्ले का जो वायर है ना, क्योंकि
मॉडम वन डिस्प्ले वन, मॉडम टू डिस्प्ले टू, ऐसे लगाते हैं ना वहां पे रीसेट बॉक्स। जी 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 सर। तो मॉडम वन मॉडम टू तो काम कर रहे हैं क्योंकि तभी दोनों सिस्टम काम कर रहे हैं। डिस्प्ले वन डिस्प्ले टू, सपोज डिस्प्ले वन में वोल्टेज नहीं मिल रहा है आपको कुछ भी वहां पर लोकेशन पे, या एक काम करिए लिंक ओपन कर दीजिए। लिंक ओपन करने के बाद डिस्प्ले वन का लिंक ओपन करेंगे तो सिस्टम फेल नहीं होगा आपका, ठीक है, केवल डिस्प्ले नहीं आएगा उसमें। डिस्प्ले ओपन करेंगे तो आप चेक करेंगे आपका डिस्प्ले वोल्टेज आ रहा मिल रहा है कि नहीं, इक्विपमेंट से रिलीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है डिस्प्ले का वोल्टेज। नॉर्मली वन वोल्ट के आसपास निकलता है आउटपुट से डिस्प्ले के लिए। तो जिसका भी नहीं मिलेगा उस, जिसका भी डिस्प्ले को वोल्टेज नहीं मिलेगा उस, वो आपका इन्फॉर्मेशन रीसेट बॉक्स के तक नहीं पहुंचेगी और वो इसलिए वन यूनिट फेल शो करेगा वहां। सर डिस्प्ले वोल्टेज कितना मिलता है? डिस्प्ले वोल्टेज देखिए जो मॉडर्न कार्ड से आउटपुट होता है डिस्प्ले वोल्टेज 1 वोल्ट के आसपास रहता है, 1 वोल्ट एसी। तो वहां से आप चेक करिए इसको। बहुत जगह बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे कि आपके पास केबल अवेलेबल नहीं है डिस्प्ले टू के लिए, डिस्प्ले टू के लिए केबल अवेलेबल नहीं है आपका, तो वन हमेशा कंटिन्यूस वन यूनिट फेल शो करेगा उसमें, क्योंकि जब आप केबल ही नहीं कनेक्ट करोगे उसके साथ में तो वन यूनिट फेल शो करेगा हमेशा उसमें। वो आपका HSDAC में काम करता है इस तरह से। सर सर एक चीज और पूछनी थी। हाँ बताइए सर, जब मान लो सेक्शन में शंटिंग चल रही होती है, हाँ हाँ, तो हमारा कोई व्हील कॉइल के बीच में बिल्कुल बीच में जाके रुक जाए, उसके बाद ये एक्सल काउंटर फेल हो जाता है, ये क्या कारण होता है? हाँ देखिए क्या होता है, नॉर्मली जो शंटिंग होती है, शंटिंग में क्या होना चाहिए कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है टीएक्स आरएक्स कॉइल के ऊपर ट्रेन जाए और वहां से थोड़े टाइम के बाद वापस आ जाए, या थोड़े देर बाद, जैसे पहले आपने इन कर दिया दो व्हील और उसके बाद थोड़ी देर बाद आउट कर दो उसको, जैसे 21 से 23 के लिए तरफ चली गई कॉइल के ऊपर से, ठीक है, पहिए चले गए, उसके बाद फिर 23 से 21 की साइड भेज देंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। और बीच में आप बता रहे हो ओनली क्या होता है, जो रेल का पहिया होता है आपका, रेल का पहिए का डाया 110 mm से बड़ा होता है, ठीक है, 110 mm से बड़ा होता है, तो ऑलमोस्ट वो उसको कवर कर लेता है, SSC वर SSC पूरे कॉइल को कवर कर लेता है वो। हाँ तो उस, और दूसरी चीज ये है कि इस तरह के फेलियर कब होते हैं, जैसे कि एकदम गाड़ी उसी पर खड़ी हो गई कंटिन्यूस, उस पर खड़ी होने के बाद में 2-3 टाइम टू और फ्रो मोशन हो गया उसमें वहां पे, तो उस कंडीशन में ट्रेन सेक्शन फेल हो जाता है। जी सर होता तो ऐसे ही है। हाँ तो देखिए क्या होता है, जैसे अगर खड़ी है तो फेल नहीं होगा, लेकिन अगर टू और फ्रो मोशन अगर 4-5 टाइम हो गया, 3 टाइम तक तो नहीं फेल होता है, अगर 3 टाइम से एवब हो गया उसको टू और फ्रो मोशन तो फेल होता है। इसकी कुछ टाइमिंग भी होती है कितनी देर कॉइल पे अगर गाड़ी खड़ी हो जाए? नहीं नहीं उसकी कोई टाइमिंग, कंटिन्यूस भी खड़ी रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जैसे ज्यादातर ये होता है जैसे लूप लाइन में गाड़ी आई और वो स्टेबल हो गई या NRT हो गई, उसके बाद वो जा रही है तो काउंटर पीछे पीछे फेल होता है। हाँ वो क्या होता है ना, जैसे ट्रेन का मूवमेंट, जैसे ट्रेन जब खड़ी हो जाती है, नॉर्मली कोशिश ये होनी चाहिए इस ट्रैक डिवाइस के ऊपर गाड़ी खड़ी नहीं होनी चाहिए, ये चीज ध्यान वो जो ड्राइवर है होता है उसको ध्यान रखना चाहिए कि जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट होता है उसके ऊपर गाड़ी खड़ी नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर जो फिगर में सर जो एक ट्रिपेटरी का इंडिकेशन का है उसके बगल में एक इंडिकेशन है सर, वो किसके लिए है? कहाँ पे? अच्छा वो इसमें रीसेट बॉक्स की बात कर रहे हो आप? जी जी। अच्छा एक मिनट मैं देख लेता हूँ रीसेट बॉक्स में क्या है। वन मिनट देखिए इसमें जो रीसेट, इसे थोड़ा बड़ा नहीं हो रहा है रीसेट बॉक्स डायग्राम। रीसेट बॉक्स में जो इंडिकेशन होता है देखिए, एक तो लाइन वेरिफिकेशन का इंडिकेशन होता है वो ही सर, लाइन वेरिफिकेशन का। हाँ लाइन वेरिफिकेशन का क्या होता है, जैसे आप लोग यार्ड वगैरह में लगाते हो इक्विपमेंट को तब लाइन वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ, लेकिन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में लगा ब्लॉक सेक्शन में लगाएंगे तो लाइन वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं रहती, ठीक है। तो ये आपका रीसेट बॉक्स है, रीसेट बॉक्स में हम एक तो हम लास्ट 10 एरर शो कर देख सकते हैं कि कब कब फेल हुआ था सिस्टम, और बाकी मॉनिटर देख सकते हैं कि कितने पहिए आ रहे हैं कितने पहिए जा रहे हैं, क्या एरर कोड आ रहा है, वो सब चीजें हम
रीसेट बॉक्स से देख सकते हैं। आपको मैंने वायरिंग डायग्राम बता दिया उसको बैक साइड में किस तरह से, इसके अंदर क्या होता है, रीसेट बॉक्स के अंदर दो कार्ड होते हैं, नॉर्मली तीन कार्ड होते हैं, एक मदरबोर्ड होता है और एक 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 आपका इंटरफेस कार्ड होता है। इंटरफेस कार्ड का काम ये जो आपका डिस्प्ले दिखता है ना आपको आगे फ्रंट में कितने व्हील आए कितने व्हील गए, तो वो इंटरफेस कार्ड की वजह से ही दिखते हैं आपको ये, ठीक है। एक होता है इसके उसके जस्ट पीछे लगा रहता है रीसेट कार्ड, ये आपका क्या रीसेट कार्ड क्या काम करता है, 48 वोल्ट जनरेट करता है उसको, जो आप 3 और 4 पे चेक करते हो वो रीसेट वो आपका नॉर्मली उसी कार्ड से ही 48 वोल्ट जनरेट होता है रीसेट कार्ड से। तो इसमें तीन कार्ड होते हैं, एक मदरबोर्ड, एक इंटरफेस कार्ड एंड रीसेट कार्ड, राइट। तो ये आपका रीसेट बॉक्स है। सर मेरे यहाँ एक जो सा ना एक एक्सेल काउंटर में 7F जो है एरर ज्यादा आती है और हाँ जी एक्सेल काउंटर अपने आप बड़े बड़ा फेल हो जाता है, उसके लिए क्या देखें सर? देखिए 7F क्या होता है, 7F क्या होता है, हैंड शेकिंग होता है। देखिए दो चीजें होती हैं, दो चीजों में क्या होता है कि एक होता है 3F एक होता है 7F। 7F मतलब होता है, 3F मतलब होता है लोकल रीसेट वेटिंग फॉर रिमोट रीसेट, एंड 7F में क्या होता है रिमोट इज रीसेट, मतलब रिमोट इज रीसेट वेटिंग फॉर लोकल रीसेट। तो 7F में क्या होता है कि जब हैंड शेकिंग प्रॉपर नहीं होती है, जैसे जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं एक दूसरे से और बीच में कहीं सिग्नल चला गया तो हमारी आवाज कट होता हो जाती है ना, तो उस समय इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है 7F। तो सर ये 7F जिस साइड आ रही है उसी साइड प्रॉब्लम होती है? नहीं नहीं उस साइड ये आप ऐसा नहीं कह सकते 7F। इसमें ये हो रहा है कि आपका जो डाटा है वन एक तरफ से दूसरे यूनिट, क्योंकि ये जो आपको मॉडम कार्ड एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं ना इक्विपमेंट जी सर, तो ये क्या होता है ये डाटा मॉडम के थ्रू जाता है, तो यहाँ से सपोज जो डाटा गया वहां तक, जैसे सपोज पैकेट के फॉर्म में जैसे 10 पैकेट गए वहां पे एक एक तरफ से दूसरे दूसरी तरफ जाते जाते 10 पैकेट गए, और वो 10 पैकेट यहाँ से 10 पैकेट गए वहां तक पहुंचते पहुंचते 9 पैकेट रह गए, तो एक पैकेट करप्ट हो गया। तो उस कंडीशन में ऐसा प्रॉब्लम, ये नॉर्मल इस कंडीशन में आपको होता है क्या करना है, इस कंडीशन में आपको आपकी केबल चेक करवानी है, ठीक है। हाँ इस कंडीशन में आप केबल चेक कराइए, केबल या तो आप चेंज कर दीजिए केबल, और हाँ केबल को भी आप लोगों को नहीं मालूम रहता है कि केबल के क्या पैरामीटर होता है, वो आप लिख लीजिए केबल के पैरामीटर क्या होने चाहिए और कैसे चेक करते हैं केबल को। केबल को चेक करने का तरीका ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप 100 के मेगर से मेगर करिए उसको, टेलीकॉम वाले क्या करते हैं, मैंने बहुत जगह देखा है टेलीकॉम वाले क्या करते हैं 100 वोल्ट की जगह वो 500 वोल्ट का मैगर यूज कर लेते हैं। बहुत जगह मैंने देखा है कि वो लोग नॉर्मली जो केबल होती है केबल को हमेशा 100 वोल्ट के मैगर से ही मैगर करना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि जो मैगर करते हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ चेक करेंगे, तो L1 अर्थ जो आप यूज करते हो अर्थ चेक करते हो ना अर्थ, एक कंडक्टर लगाएंगे एक L1 में और दूसरा कंडक्टर लगाएंगे अर्थ में, उसके तब चेक करेंगे L1 अर्थ आपका कंपल्सरी आपका 10 ओम्स के ऊपर आना चाहिए, L1 अर्थ L2 अर्थ L2 मतलब L, हाँ तो ये विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कम से कम आपका 10 मेगा ओम से ऊपर रहना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जैसे सपोज आपका एक कंडक्टर में आपका 100 ओम्स आ रहा है दूसरे कंडक्टर में आपका 7 ओम्स आ रहा है, वो ये ये 7F प्रॉब्लम जो सी लूज कनेक्शन के कारण भी आ सकती है क्या? हाँ लूज कनेक्शन के कारण भी आ सकती है, केबल की प्रॉब्लम की वजह से भी आ सकती है। लूज कनेक्शन मतलब मैं आपको बताऊं क्या है, जैसे डाटा करप्ट हो जा रहा है पैकेट डिस्टर्ब हो जा रहे हैं ना उसके, हाँ जी हाँ जी, तो लूज कनेक्शन भी हो सकता है उसमें आपका, तो भी आपका 7F आ जाएगा। तो इसलिए मैं आप पहले केबल मैगर कर लीजिएगा, उसके बाद जहाँ पर भी डीपीज वगैरह है वहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा ध्यान कि टाइट वाइट कहीं ऐसा तो नहीं कि टाइट करने के साइड में अंदर से टूट गया हो कुछ उसका कंडक्टर, तो ऐसा भी हो जाता है। ठीक है सर। देखिए अब ये आपका SPD है, इसको बोलते हैं सर्ज वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस, ठीक है। ये नॉर्मली देखिए इसमें क्या होता है कि 6 मॉड्यूल्स हैं इसमें, ये SPD है आपका, 6 मॉड्यूल है जो ब्लैक कलर के आप देख रहे होंगे इसमें, ये 6 मॉड्यूल्स हैं इसमें, ये 6 मॉड्यूल है और ये एक आपका फिल्टर कार्ड है बीच साइड में लगा हुआ है, इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है इंडक्टर लगा हुआ है, हाँ, और ये मतलब इस तरह से ये एक ये आपका फिल्टर कार्ड है और ये आपके मॉड्यूल्स हैं। तो ये OBO मेक है,
ठीक है, इसमें दो टाइप के होते हैं, एक ओबीओ में एक होता है, एक फोनिक्स में एक होता है, ठीक है। जो तो आप जो ब्लैक कलर के आपके सिक्स कंडक्टर सिक्स वो देख रहे हैं ना मॉड्यूल्स देख रहे हैं, सिक्स मॉड्यूल देख रहे हैं, तो इसमें जो वन पहला वाला मॉड्यूल है जो सामने से देखेंगे तो जो लेफ्ट हैंड में फर्स्ट है, ये आपको 24 वोल्ट सप्लाई के लिए दिया हुआ है, ठीक है, ये 24 वोल्ट सप्लाई के लिए दिया हुआ है, और दूसरा वाला 48 वोल्ट के लिए, ठीक है, और तीन और चार आपका मॉडम वन मॉडम के लिए दिया हुआ है, एक कंडक्टर एल वन एल टू के लिए दिया हुआ है तीन और चार, और ये आपका तीन और चार पांच और छह आपका किसके लिए है, ये आपका डिस्प्ले के लिए दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका ब्लैक कलर के जो मॉड्यूल्स हैं वो ये ओबीओ मेक्स हैं, ये सॉरी फोनिक्स मेक है ये, और ये आपका जो फिल्टर कार्ड है बीच में जो एक छोटा सा एक कार्ड लगा हुआ है लेफ्ट में, फ्रंट से देखेंगे तो लेफ्ट में दिया हुआ ना एक फिल्टर कार्ड, इसमें जो ऊपर की साइड में छह कनेक्टर होते हैं, सिक्स वायर लगाते हैं, वन एंड टू में 24 वोल्ट सप्लाई रहती है, थ्री एंड फोर में मॉडम की रहती है, फाइव एंड सिक्स में आपका डिस्प्ले की रहती है, ठीक है। और नीचे की साइड में आपका सिक्स वो है पिन है, सिक्स में सिक्स पिन है, उसमें वन एंड टू 24 वोल्ट सप्लाई, थ्री एंड फाइव आपका मॉडम, सेवन एंड नाइन डिस्प्ले, सर ये बताइए। हाँ सर, ये यूनिट हैंग क्यों हो जाती है हमारी? यूनिट हैंग किस कंडीशन में हैंग होती है यूनिट? जैसे मान लीजिए कोई फेलियर आया, हमने रिसेट मारा उसको, कभी कभी ऐसा होता है वो हैंग हो जाती है उस दौरान। अच्छा ये लेती है आपके यहाँ पे जो सिस्टम है वो डिस्प्ले, उसमें रिसेट बॉक्स डिस्प्ले वाला है कि नॉन डिस्प्ले वाला है? डिस्प्ले डिस्प्ले सर, डिस्प्ले वाला है। देखिए हैंग होने का रीजन एक हो सकता है, वैसे जो डिस्प्ले वाली यूनिट्स हैं उसमें हैंग होने की प्रोबेबिलिटी कम है, हैंग होने का रीजन एक ये होता है, जैसे सपोज आपने रीसेट अप्लाई किया, रीसेट अप्लाई करने पे क्या होता है कि जैसे हमने एक बार प्रेस किया जो 48 वोल्ट है वो आपका 3 and 4 से आउट होके लोकेशन पे चला गया, तो एक बार आप जब आप रीसेट करते हो तो मतलब रीसेट करने के टाइम में एसएम की और रेड बटन दबाओगे तो आपका 48 वोल्ट जनरेट होगा, तो साइड में प्रीपेटी इंडिकेशन एक छोटा सा एलईडी लगी है ना वहां पे, वो फ्लैशिंग होनी चाहिए स्टार्ट हो, तो जब आप तब तक प्रेस करके रखिए तब तक वो फ्लैशिंग स्टार्ट ना हो जाए, जैसे वो फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाए उसका छोड़ दीजिए और थोड़ा वेट करिए उसको। वेट करने के बाद क्योंकि क्या होता है जैसे स्टेशन मास्टर क्या करता है, एक बार रीसेट किया अरे रीसेट नहीं हुआ फिर दोबारा उसने रीसेट कर दिया, तो क्या होता है जो 48 वोल्ट यहाँ से लोकेशन पे जाएगा वो लोकेशन पे जाने जाएगा और उसके बाद फिर वो सिस्टम को रीसेट करेगा, रीसेट करके वो वापस आएगा वो वोल्टेज, तो इतनी वो पल्स के फॉर्म में जाता है, तो इतनी देर में इतना वेट नहीं करता स्टेशन मास्टर और दोबारा अगेन प्रेस कर देता है, तो दोबारा एक पल्स जनरेट हो जाती है और वो क्या होती है ओवरलैपिंग हो जाती है पल्सेस। हाँ ओवरलैपिंग पल्सेस की पल्सेस की ओवरलैपिंग हो जाती है, इस वजह से वो हैंग हो जाता है सिस्टम, तो इसलिए थोड़ा जल्दी कर देते हैं। हाँ से है वो हाँ इसके इसको अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें केवल एक बार रीसेट कर प्रेस करिए और आपका जो प्रीपेटरी इंडिकेशन की एलईडी फ्लैशिंग स्टार्ट हो गई है उसका छोड़ दीजिए उसको, फिर थोड़ा वेट करिए, और रीसेट तो तभी होगा ना जब दोनों साइड से आदमी प्रेस करेगा। सपोज आपने अपना कर दिया और नहीं हुआ रीसेट, इसका मतलब कोई जरूरत नहीं कि आपने आपका इक्विपमेंट नहीं हुआ है, हो सकता है उस साइड वाले आदमी ने किया ही ना हो रीसेट अभी, तो ये हो जाता है हो सकता है सर। हाँ क्या जल्दीबाजी में क्या होता है एक बार प्रेस किया अरे नहीं हुआ दोबारा प्रेस कर दिया तो क्या होता है वो पल्सेस पीछे से जाती है और उसको ओवरलैप कर देती है पल्स जो पहले वाले को जा रही है, इस वजह से वो हैंगिंग प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभार। सर ये कभी कभी अपने से जैसे दोनों सिस्टम हमारा सही है तो कभी कभी अपने से भी ये सर एक सिस्टम हैंग हो जाता है तो ऑटो रीसेट नहीं लेता है। अच्छा अपने आप हैंग हो जाता है सिस्टम? हाँ अपने आप हो जाता है सर, फिर उसको जाके साइड पे ऑन ऑफ करके फिर रीसेट किया जाता है तब होता है। देखिए उसका रीजन ये है कि जैसे मान लीजिए रीसेट किया आपने, मैंने बताया ना कि पल्स ओवरलैप हो जाती है उसकी रीसेट पल्स, आपका एच एस डी ए सी है ना आपका एस एस डी ए सी
HSDSE में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने रीसेट किया, मतलब ऑटो रीसेट होना है, ऑटो रीसेट होने के जैसे आपका दोनों सिस्टम क्लियर है, दोनों सिस्टम क्लियर होने के बाद में क्या हुआ, गाड़ी गई और एक सिस्टम फेल हो गया, एक रीसेट, एक क्लियर हो गया, तो क्या होगा कि आरआर रिले पिकअप हो जाएगा वहां पे, आरआर रिले पिकअप हो जाएगा, रिले पिकअप होने के बाद वो सिस्टम जो भी सिस्टम फेल है उसको रीसेट करेगा, वो ऑटो रीसेट करेगा उसको। और जब आप देखोगे ना, जब रीसेट करोगे, अगर कोई भी आदमी वहां पे है तो देखेंगे जो आपका मॉड्यूल है, रीसेट मॉड्यूल है उसका, उसमें देखोगे छोटी थोड़ी देर के लिए लाइट जलती है, उसके बाद बुझ जाती है उसकी लाइट, उसके थ्रू ही होके जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वैसे और हैंगिंग की प्रॉब्लम आपकी HSDSE में बहुत कम कम आती है, मतलब ना मैं समझता हूँ 1-2% होगा। जी जी सर, कम आती है लेकिन आता है, कम आता है, वो बाय चांस होता है ऐसा कभी कभार। लेकिन जब आता है तो सर ऑटो नहीं लेता है। अच्छा, ऑटो नहीं लेता। अब अगर ऑटो नहीं ले, देखिए क्या होता है, ऑटो देने का भी एक तरीका है, जैसे सिस्टम फेल हो गया और जैसे सपोज सिस्टम 2 में कुछ प्रॉब्लम आ गई और एक बार सिस्टम फेल हो गया और उसने ऑटो रीसेट किया, ऑटो रीसेट हुआ, दोबारा नहीं हुआ, अगर सपोज वो सिस्टम नहीं रीसेट हुआ, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए कि एक बार आरआर रिले को निकाल दीजिए, निकाल के री इंसर्ट कर दीजिए दोबारा उसको, तो दोबारा ऑटो रीसेट ले लेगा। ठीक है, ठीक। अब ये आपका है SPD। हाँ बोलिए। थोड़ा आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ा तेज थोड़ा बोलिए। मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आपकी बात को, क्या कह रहे हैं आप? आवाज धीमा आ रहा है सर, आवाज धीमा आ रहा है राकेश जी का। अगर किसी को तेज आ रही है तो वो मुझे बता दे कि आवाज समझ में आ रही है किसी को, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं वो? अगर किसी को, राकेश जी आपकी आवाज खराब आ रही है बहुत सर। हाँ, सर मेरे यहाँ एक फेलियर चला, जो 48 वोल्ट हमारी रीसेट की, वो जाते जाते 1.5 वोल्ट रह रही थी। हाँ, उसका रीजन ये हो सकता, तो लास्ट में हमने उसकी केबल टेस्ट करवाई, सारा कुछ करवाया, लास्ट में जाके उसका मॉडेम कार्ड बदला जब वो रीसेट हुआ, तो इस मॉडेम कार्ड में क्या फॉल्ट आया सर? हाँ देखिए क्या होता है, देखिए जो 1.5 वोल्ट आ रही है ना, आपको ये चेक करने के लिए एक तरीका बताता हूँ क्या है। जैसे सपोज आपका, हाँ आप बोल रहे हैं ना, यहाँ से हमने प्रेस किया, यहाँ पर 3 और 4 में आपका 48 वोल्ट आ रहा है, लेकिन वहाँ रीसेट बॉक्स के वहाँ पे इक्विपमेंट के टर्मिनल पे जाके वहाँ पे लोकेशन पे 1.5 वोल्ट हो जा रही है, तो उस कंडीशन में एक काम करिए आप, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिंक डिस्कनेक्ट कर लीजिए। लिंक डिस्कनेक्ट करने के बाद में आप पहले ओपन वोल्टेज चेक कर लीजिए कितना आ रहा है। क्या होता है कब, जो जैसे जैसे ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है उसमें तो ठीक रहेगा, लेकिन जो न्यू न्यूली इंस्टॉल रहता है उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे मान क्योंकि ये डीसी वोल्टेज है, डीसी वोल्टेज में पोलरिटी मैटर करती है। अगर सपोज आपका कभी कभार ऐसा होता है कि अगर आपकी पोलरिटी चेंज हो गई है उसकी, तो तब भी वो वोल्टेज बैठ जाती है। यहाँ से आपकी 48 वोल्ट आउट होगी रीसेट बॉक्स से, बट लोकेशन पे आपकी 2, 4, 5, 10 वोल्ट के आसपास रह जाएगी, क्योंकि वो पोलरिटी चेंज हो जाएगी। नहीं पोलरिटी चेंज तो नहीं, मेरे यहाँ मॉडेम कार्ड का फॉल्ट निकला था। हाँ हाँ, बस मैं उस पॉइंट पे भी आ रहा हूँ, ये भी मैं एक ये भी रीजन बता रहा हूँ कि ये एक रीजन है इसमें, कि इस रीजन से भी वोल्टेज बैठता है। अगर आपकी पोलरिटी चेंज हो जाएगी तो भी आपको वोल्टेज बैठ जाएगा। और दूसरा रीजन ये है कि देखिए क्या होता है, जो आपका 48 वोल्ट है, 48 वोल्ट आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आप मॉडेम कार्ड में ही जाता है, 48 वोल्ट मॉडम कार्ड में जाएगा, मॉडम कार्ड से एमएल। हाँ बोलिए। तो सर लिंक एरर बहुत आता है, कैसे क्या होगा इसका? अच्छा ठीक है, अभी मैं उसको भी बताता हूँ आपको, ये मॉडम कार्ड के बारे में बता रहा हूँ आपको, इसके बारे में बताता हूँ। देखिए ठीक है सर, जो 48 वोल्ट है, 48 वोल्ट आपका फर्स्ट आपके मॉडम कार्ड में जाएगा, मॉडम कार्ड से फिर MLB कार्ड में जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे हमारा जो मॉडम कार्ड है, मॉडम कार्ड में एक मिनट, जो मॉडम कार्ड है हमारा, मॉडम कार्ड में हमारे 3 सर्किट हैं। एक आपका कम्युनिकेशन, जो आप कम्युनिकेशन जो एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से कनेक्ट करता है, वो आपका कम्युनिकेशन का सर्किट है उसी में। ठीक है, और एक आपका डिस्प्ले का, जो आप डिस्प्ले देखते हो ना, लोकेशन से डिस्प्ले वोल्टेज आता है, वो भी मॉडम कार्ड ही जनरेट करता है।
तो एक डिस्प्ले का सर्किट है और एक रीसेट का भी सर्किट है उसमें। तो जो आपके केस में, जो आपके केस में हुआ है, जो वोल्टेज बैठ जा रही है, वो केस ये हुआ है कि उसका जो रीसेट कार्ड, रीसेट सर्किट है वो फेल हो गया है, रीसेट का सर्किट, इस वजह से वो वोल्टेज ड्रॉप हो जा रही है बार बार। ऐसा तब होता है, ये इसलिए सर्किट तब तब खराब होता है जब आपका, जैसे आप एक काम करिएगा, इस तरह की प्रॉब्लम आपकी नेक्स्ट टाइम ना आए इसके लिए आप एक काम करिएगा, जब आप नॉर्मली आप लिंक ओपन करिए रीसेट का 48 वोल्ट का लिंक ओपन करिए, लिंक ओपन करने के बाद में जो आपका कंडक्टर है 48 वोल्ट वाला, उसमें आप उसका इंड्यूस वोल्टेज चेक करिए, कितना इंड्यूस वोल्टेज आता है। जब इंड्यूस वोल्टेज उसमें ज्यादा आता है तभी वो कार्ड खराब करता है उसमें स्पाइक वोल्टेज। तो आप एक काम करिएगा, मतलब उसको जो सिग्नल केबल है, सिग्नल केबल को विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ के साथ उसका इंड्यूस वोल्टेज चेक करिए कितना आ रहा है उसमें, ठीक है। तो अगर वो उसका, या तो अगर इंड्यूस वोल्टेज ज्यादा आएगा तभी वो कार्ड खराब होता है, आप या तो वो कंडक्टर चेंज कर दीजिए नेक्स्ट टाइम के लिए, जिससे कि वो दोबारा इस तरह का प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, ओके सर। हाँ, तो वो आपका कंडक्टर का प्रॉब्लम है, कंडक्टर नहीं विदाउट गिविंग 48 वोल्ट उसमें ऑटोमेटिक वोल्टेज आता रहता है, आप कभी भी चेक करोगे ना तो उसमें वोल्टेज कुछ ना कुछ रहेगा, जबकि आप 48 वोल्ट दे नहीं रहे तो भी वोल्टेज वहां मिल रहा है आपको वहां पे, तो ये चीज तो ठीक नहीं ना, ये आपके बार बार कार्ड को डैमेज करेगा। सर जो जितने भी कार्ड यूज हो रहे हैं उसकी कोई क्वार्टर लाइफ तो होती होगी ना? हाँ बिल्कुल, देखिए अब क्या होता है, देखिए मैं आपको बताऊँ, आप मोबाइल यूज करते हो, ठीक है, मैं मोबाइल यूज करता हूँ, तो आप कह सकते हो क्या इसको कि ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का क्या है कि कब कौन सा कंपोनेंट खराब हो जाए कुछ कह नहीं सकते ना, तो इस वजह से यार देखो इलेक्ट्रॉनिक आइटम का इस तरह से नहीं बोल सकते कि ये 20 ईयर्स चलेगा या 10 ईयर्स चलेगा। अब कैपेसिटर है, इंडक्टर है, ये सब का जिस तरह से यूज होता है, जैसे सपोज आप मोबाइल है, आपका मोबाइल को आप ज्यादा हैवी यूज करोगे मोबाइल को तो आपका उसकी लाइफ कम हो जाएगी, आप मोबाइल को अगर टाइम मतलब थोड़ा सा प्रॉपर ढंग से चलाओगे तो आपके मोबाइल ज्यादा चलेगा मेरे ख्याल से। तो सेम ऐसे इक्विपमेंट का भी रहता है, इक्विपमेंट में देखिए जैसे कि आपका नॉर्मल कंपोनेंट तो डैमेज ऐसे नहीं होते हैं, कंपोनेंट डैमेज होने का रीजन ये है कि जैसे आपका, जैसे अभी सर उन्होंने बताया मुझे कि आपका मॉडम कार्ड डिफेक्टिव हो गया, उसका मॉडम कार्ड डिफेक्टिव होने का रीजन ये था कि क्योंकि उसके जो सिग्नल कंडक्टर्स हैं उसमें स्पाइक वोल्टेज बहुत ज्यादा आ रही, इस वजह से उसने कार्ड को डैमेज कर दिया, यही रीजन है। सर, जो, जैसे जो, जैसे जैसे मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, जैसे आप लोगों को बोला जाता है कि आप जो इक्विपमेंट है इक्विपमेंट में 27-28 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज सप्लाई मत दो, इक्विपमेंट में जो आप टर्मिनल पर चेक करो तो 27-28 वोल्ट आनी चाहिए वहां पे, लेकिन मैंने देखा बहुत जगह कि वहां कभी कहीं 31-32 भी प्रोवाइड कराते रहते हैं, जब जाके देखो तो भाई यार इतना सप्लाई दोगे तो क्या होगा, सिस्टम जल्दी मतलब उसका वो खराब होने का चांसेस जल्दी हो जाएंगे ना उसके, तो ये चीजें हैं। नहीं नहीं, जो कंपनी वाले जो फेलियर अटेंड करते हैं तो उनको ये चीज, जैसे अभी कृष्ण बता रहे थे उनका फेलियर अफेयर हुआ था कार्ड वाला, तो जो जिसने अटेंड किया होगा उनको भी ये बताना चाहिए ना ये कार्ड इस वजह से डिफेक्ट हुआ है। अच्छा नहीं, देखिए क्या होता है, देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे आप ही हो है? आपका स्टाफ है, तो देखिए हर नॉलेज हर आदमी के पास नहीं रहती ना, ठीक है, अभी जैसे कोई नया आया है, कोई पुराना आदमी है, पुराना आदमी ज्यादा एक्सपीरियंस रहता है, उसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस रहता है, वो बता सकता है, जैसे आप ही में से हैं, आपके जो MCM होंगे या और JEE वगैरह होंगे उन लोगों को ज्यादा एक्सपीरियंस है क्योंकि वो लोग ज्यादा दिन से काम कर रहे हैं सेक्शन में, और कोई नया आदमी अभी आया तो उसको उतना सेम थिंग ऐसे है। वो तो ठीक है, लेकिन नए आदमी जैसे आपके यहाँ कार्ड अगर डिफेक्टिव हो रहा है तो वो कार्ड ऊपर तक जाता होगा, बिल्कुल जाता है, बिल्कुल जाता है, जो भी विजिट कर रहे हैं वो कार्ड अपने पास तो नहीं रख सकते ना। हाँ नहीं, वो अपने पास नहीं रखते हैं, वो लोग भी हमें प्रोवाइड, वो क्या करते हैं हमारे, हमारा जो मतलब जहाँ रिपेयरिंग सेंटर है वहाँ पे डालते हैं और वहाँ पे, तो सर जब कोई कार्ड ऊपर जाता है क्या है कि मतलब जब कोई कार्ड ऊपर जाता है तो ऊपर वाले भी तो बताते होंगे ना सर कि ये प्रॉब्लम है, ये कार्ड इफेक्ट हुआ है, आगे से ऐसा ना हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग गाइड करते हैं उनको कि आप ऐसे ऐसे चेक करिए इसको कार्ड को, अगर ये ऐसे ऐसे डैमेज हो रहा है,
लेकिन बात यह ना, एक बार वो कार्ड लेके आ गया, उसको हमने बताया, डेमो दिया, तो वो सेम इस तरह की प्रॉब्लम कहीं दूसरी जगह आएगी तो वहां पे वो क्लियर करेगा उसको, सर ये प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से आपका कार्ड डैमेज होता है बार बार। लेकिन जहां से रिलीज हुआ है कार्ड, वहां से एक बार चला गया तो उसके बाद फिर उनसे बात भी नहीं होती, या तो आप खुद ही उनसे बात करिए करिए कि जैसे हमारा कोई कार्ड डैमेज हुआ है तो क्यों डैमेज हुआ था, वो आप पूछिए उनसे कि भाई रिपेयर हो गया तो क्यों, क्या रीजन हो गया, क्यों क्यों डैमेज हुआ, तो वो आपको बताएंगे। हम सर, मैंने 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 रेल में ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ, 8-10 साल हुए हैं, मैंने जितना ऑब्जर्व किया है कंपनी के, किसी भी कंपनी के जो भी फेलियर, मेजर फेलियर होते हैं, उनके कार्ड रिप्लेस कर दिए जाते हैं, लेकिन एक्चुअल फेलियर का रीजन नहीं पता चल पाता लास्ट तक। अच्छा, देखिए अभी अभी मैं लेटेस्ट कल मेरे पास एक फोन आया हैदराबाद से, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ एक बात। तो क्या हुआ, एक इंजीनियरिंग ब्लॉक वालों ने क्या किया कि उनको कुछ काम करना था वहां पे, तो उन्होंने क्या किया, स्टेशन मास्टर से कहा कि हमें हमें ब्लॉक दे दो, बट उन्होंने क्या किया, स्टेशन मास्टर ने ब्लॉक देने में कुछ टाइम लगा दिया एक्स्ट्रा, और इन्होंने क्या किया, सिस्टम को इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया, और क्या किया, जो उनका टावर वैगन वगैरह है जो है वो वहां से सेक्शन के अंदर से चला गया, तो हमारा बीपीएससी ऑक्यूपाई हो गया। तो स्टेशन मास्टर ने क्या किया, रीसेट किया, उसको रीसेट कर दिया, क्योंकि भाई ऑटोमेटिक कैसे हो गया, तो ऑल सिस्टम वो रीसेट लिया नहीं, रीसेट कैसे लेगा जब वो सिस्टम फेल ही नहीं है, जब फेल नहीं होगा तो वो रीसेट कैसे एक्सेप्ट करेगा। तो उसने क्या किया, इंजीनियरिंग ब्लॉक वालों को की कंप्लेन कर दी सीनियर डीएसपी को कि भाई इन्होंने ये बिना ब्लॉक के ही अंदर चलेगा सेक्शन में, तो मतलब इस तरह से एक पंगा हो गया इस तरह से उनका। तो उसकी क्लियरिटी उससे वहां के जो ये सब थे वो उसे मांग रहे थे कि ऐसा भी होता है कि सर कि मान लीजिए, तो वो कह रहे हैं कि सर एरर कोड तो आना चाहिए डिस्प्ले में। तो मैंने बोला कि भाई डिस्प्ले में कैसे एरर कोड आएगा, जब आपका सेक्शन फेल ही नहीं हुआ है तो एरर कोड कैसे आएगा, ये चीज हो गई वहां पे। हाँ बताइए क्या कह रहे थे आप। हेलो सर। हाँ आपका 30, आप पूछ रहे थे 30 एरर कोड के बारे में। हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए। HSSDSE लगा है हमारे यहाँ, तो आंतरिक एरर आता है। क्या एरर कोड आता है आपके यहाँ? आंतरिक शंट एरर। अच्छा, शंट एरर आता है आपके यहाँ, ठीक है। आंतरिक आंतरिक। अच्छा, इंटरनल शंट एरर, ठीक है जी जी, हमेशा वही बताता है। अच्छा, एक काम करिए, आपके पास में वर्नियर कैलिपर होगा क्या? वर्नियर तो हम लोगों के पास नहीं, वही कंपनी वाले आते हैं वो लाते हैं। अच्छा, एक काम करिएगा, आप वहां जहां पे आपका इंटरनल शंट एरर आता है आपका, वहां पे एक काम करिएगा कि आप जो क्वाइल है उसको लूज करिए, थोड़ा सा लूज करके ऊपर अच्छा। की तरफ लिफ्ट करके टाइट करिए उसको, मतलब दो क्वाइल लगी है साहब। हाँ, अब नहीं, ऐसा करिएगा आरएक्स कॉइल की साइड से को आरएक्स कॉइल को ऊपर की तरफ लिफ्ट करा दीजिए उसको। अच्छा ठीक है। हाँ, आरएक्स कॉइल को लिफ्ट करा के टाइट करा दीजिए और वो प्रॉब्लम सही हो जाएगी। और दूसरी चीज, एक चीज और चेक करिएगा, आपका जो SSC1 SSC2 कार्ड है उसका आउटपुट वोल्टेज जरूर चेक करिए, 2 वोल्ट से नीचे नहीं होना चाहिए उसको। नहीं, 2 वोल्ट तो रहता है सर। ये चीज आपको दो चीजें ध्यान देनी है, एक तो आपको आउटपुट वोल्टेज चेक करना है एसएससी कार्ड का, SSC1 SSC2 कार्ड का 2 वोल्ट से एवम होना चाहिए, और दूसरी चीज क्या करना है आपको, आपको आरएक्स कॉइल को ऊपर की तरफ उठा के टाइट करना है। आरएक्स कॉइल दो लगी है सर। हाँ, आरएक्स कॉइल है ना आपकी, आरएक्स कॉइल को पहले आप लूज करिए उसको, लूज करने के बाद में उसको किसी चीज से ऊपर उठा के उसको टाइट करा दीजिए बस। तो दोनों क्वाइल को आप ऊपर करवा लीजिए, ठीक है। अच्छा सर, लिंक एरर आए तो क्या करूँ? हाँ, लिंक एरर अभी देखिए क्या होता है, लिंक एरर में क्या होता है कि नॉर्मली लिंक एरर आपका दो तीन चीजें हैं जिससे आता है आपका। फर्स्ट आपका जो ईवी टास्क है आपका, कि आपका जो मॉडम कार्ड है, मॉडम कार्ड से अगर आपका आउटपुट वोल्टेज नहीं आया तो आपका लिंक एरर आएगा। देखिए क्या करो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक काम करो, मॉडम का लिंक डिस्कनेक्ट कर लो पहले, ठीक है। मॉडम का लिंक डिस्कनेक्ट कर लो, मॉडम का लिंक डिस्कनेक्ट करने के बाद में
पहले आप मॉडम का आउटपुट वोल्टेज चेक करो कितना आ रहा है आउटपुट वोल्टेज। मॉडम का जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा आपको 1 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। जो मॉडम का आउटपुट वोल्टेज 1 वोल्ट मिलेगा, जो फ्रिक्वेंसी है आपकी वो मिलेगी, जैसे आपका एंट्री सिस्टम है तो एंट्री सिस्टम की 1650 प्लस माइनस 200 हर्ट्ज मिलेगी फ्रिक्वेंसी, आप लिख लीजिए इसको, ठीक है। हाँ, ये आपकी फ्रिक्वेंसी मिलेगी और वोल्टेज आपको 1 वोल्ट मिलेगा। और जो एग्जिट है, एग्जिट के साइड में चेक करोगे तो आपका जो वोल्टेज मिलेगा 1 वोल्ट मिलेगा आपको, और जो फ्रिक्वेंसी मिलेगी 980 प्लस माइनस 200 मिलेगी, ठीक है। ये आपका पहले फर्स्ट आपको क्या करना है, लोकल वोल्टेज चेक करना है कि मॉडम हमारा प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दोनों वोल्टेज, दोनों साइड का वोल्टेज चेक कर लीजिए आप, ठीक है। ये चेक करने के बाद में एक साइड एंट्री का है आपका 1650 प्लस माइनस 200, प्लस माइनस 200 हर्ट्ज, ठीक है। ये आपका फ्रीक्वेंसी है इसकी, और जो एग्जिट की है, एग्जिट की है 980 प्लस माइनस 200, ठीक है। ये आपका होना चाहिए, दोनों का वोल्टेज मॉडम का एक एक वोल्ट आता है। तो फर्स्ट लिंक एरर आ रहा है आपका, तो लिंक एरर का रीजन ये है कि आप एक काम करो, आप जैसे सपोज एक साइड में चले जाओ, किसी भी एक साइड में, एंट्री या एग्जिट में किसी एक साइड लोकेशन बॉक्स में जाओ। जैसे सपोज आप एग्जिट में चले गए, आप तो एग्जिट में जाके वहां पे क्या करो, लिंक डिस्कनेक्ट कर दो मॉडम का। मॉडम का लिंक डिस्कनेक्ट करने के बाद में चेक करो कि एंट्री से एग्जिट के साइड में आपके साइड क्वाड केबल साइड में कितना वोल्टेज मिल रहा है आपको। तो क्या होगा, आपको जो वोल्टेज मिलना चाहिए, जो मिनिमम वोल्टेज है वो 150 मिली वोल्ट से एबव होना मिलना चाहिए, अदर एंड से आने वाला वोल्टेज, ठीक है। 150 मिली वोल्ट से एबव होना चाहिए आपको, ठीक है। हाँ, ये पहले चेक, इससे ये पता चलेगा कि आपका कितना लॉस हो रहा है, एक एक तरफ एक एक एंड से दूसरे एंड तक डाटा को आने में कितना लॉस हो रहा है। मैक्सिमम आपका 85% डाटा लॉस तक परमिसेबल है। अगर 85% से ज्यादा डाटा करप्ट होगा तो आपका मतलब समझ लो यही 30-40 एरर कोड आएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में देखिए क्या होता है, जैसे मान लो मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी आप बात क्लियर सुन पा रहे हैं, अभी राकेश जी बात कर रहे थे तो मेरी मैं उनकी बात सुन नहीं पा रहा था क्योंकि डाटा करप्ट हो जा रहा है वहां से मेरे पास आने में, ठीक है। तो ये चीज होती है, अगर ज्यादा मतलब इनका डाटा करप्ट ज्यादा हो रहा है इस वजह से मेरे पास आवाज नहीं पहुंच पाई, आपका डाटा कम करप्ट हो रहा है इसलिए मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ, ठीक है। तो सेम यही कंडीशन मॉडम के साथ होती है, अगर आपका डाटा वहां एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचते पहुंचते ज्यादा करप्ट हो जा रहा है, 85% से ज्यादा करप्ट हो रहा है, तो आपका सिस्टम फेल हो जाएगा, लिंक एरर आ जाएगी आप। तो ये आपको ध्यान देना है कि 150 मिली वोल्ट से कम नहीं आना चाहिए वोल्टेज। अदर साइड में तो 1 वोल्ट है ना आपका, अदर साइड 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट से इधर तक आते आते 150 मिली वोल्ट से अगर नीचे जाएगा तो सिस्टम फेल होगा, बार बार इंटरमिटेंट फेल होगा। फिर उस कंडीशन में आपको केबल थोड़ा सा देखनी है, ध्यान देनी है केबल के ऊपर। सर हमारे यहाँ SLDAC का वो लगा है सेल का, तो अपलाइन में लगा है सर, जब से इंस्टॉल हुआ सर तो उसका ऑटो काउंटर जो है 1 नंबर 2 नंबर ऑटो काउंटर बढ़ता ही नहीं है, वो मतलब रिसेट ले लेता है लेकिन ऑटो काउंटर नहीं बढ़ता है। अच्छा, देखिए उस रीजन में क्या होता है, ऑटो काउंटर नहीं बढ़ रहा है ना उस रीजन में, देखिए हाँ उस रीजन में क्या हो रहा है कि जो उसका एक्चुअली क्या होता है, इसमें एक पॉजिटिव सप्लाई होती है, उसमें पॉजिटिव सप्लाई नहीं आ रही है, उसकी वजह से वो काउंटर नहीं बढ़ रहा है। अच्छा, फेल हुआ है सिस्टम? हाँ फेल हुआ है, वो सही भी हो जाता है सर लेकिन ऑटो काउंटर किसी का नहीं बढ़ता है। अच्छा, तो एक काम करिएगा, लेकिन ये आप नहीं कर पाओगे, कोई नेक्स्ट टाइम में हमारा कोई सर्विस इंजीनियर जाएगा वहाँ पे। सर आए थे एक दो बार बताया गया है लेकिन वो लोग नहीं देखते। अच्छा, कौन आया था? सर ये नहीं मालूम। अच्छा, कहाँ पे, कहाँ की बात है ये? सर ये इलाहाबाद डिवीजन में है, मनोहरगंज स्टेशन। अच्छा, नेक्स्ट टाइम में आएंगे तो आप बताइए, नहीं आते तो आप हमें बताइएगा, हम बात करेंगे उससे, ठीक है। ठीक ठीक
देखिए अभी आपका एसपीडी है, एसपीडी की आपको वायरिंग आपको मैंने आपको बताई कैसे कैसे वायरिंग होती है इसकी, आप लोग खुद भी देख सकते हो। वैसे सारी चीजें आपका एसपीडी में लिखी रहती हैं कि ये वायर इसमें लगेगा, ये वायर इसमें लगेगा, तो आप इस तरह से मतलब लगा सकते हैं, वायरिंग कर सकते हो उसकी, ठीक है। एसपीडी की वायरिंग ये नॉर्मली क्या है आपका ये एक मिनट मैं इसमें मुझे खुद ही नहीं दिखी, ये एसपीडी का ही फंक्शन है, दिखा रहा है कि क्या क्या है इसमें, एसपीडी में क्या क्या होता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया एसपीडी के बारे में। तो ये इंस्टॉलेशन ऑफ एसएसडीएसी कैसे क्या क्या इंस्टॉलेशन की, ये भी मैंने आपको बताया है। इंस्टॉलेशन ऑफ एक्सल डिटेक्टर्स, कैसे एक्सल डिटेक्टर को मतलब मैंने बताया ना लेफ्ट रेल राइट रेल की बात बताया मैंने आपको, सेम रेल में लगाना चाहिए, यही चीज दिखाई इसमें। काउंटिंग काउंटिंग यूनिट्स, रीसेट बॉक्स कैसे करते हैं, सर्ज वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस एसपीडी, अर्थिंग अरेंजमेंट। देखिए अर्थिंग का जरूर आप ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप बोल रहे थे ना, एक कोई आदमी मुझसे बोल रहा था कि सर इसकी लाइफ कितनी होती है, यार लाइफ का ये है कि देखिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम में अगर अर्थ प्रॉपर होगा तो उसकी लाइफ भी बढ़ती जाती है उसी हिसाब से, अर्थिंग अगर प्रॉपर नहीं होगी तो उसकी लाइफ भी कम होती जाएगी, क्योंकि अर्थ का मेन एडवांटेज ये है कि जितना भी इंड्यूस वोल्टेज है, स्पाइक वोल्टेज है, सबको ग्राउंड करता है और इक्विपमेंट को सेव करता है, तो इसका अर्थ बहुत कंपलसरी है। अच्छा नॉर्मली आप लोगों के यहाँ पे एक अर्थ लगाते हैं या दो अर्थ लगाते हैं? सर कहीं कहीं एक अर्थ लगा, कहीं डबल लगे हैं सर। नहीं डबल में क्या दो अर्थ लगाते हैं, दो अर्थ, दो अर्थ क्या होता है, एक मेंटेनेंस फ्री अर्थ होना चाहिए और एक आपका मैनुअल अर्थ लगाते हैं आप लोग, ठीक है सर, दो होता है। हाँ तो देखिए जो जो इसका कनेक्टिविटी का भी एक तरीका है, जो मेंटेनेंस फ्री अर्थ है उसके साथ में आपको एसपीडी को कनेक्ट करना है, सिस्टम को कनेक्ट करना है और आपका वीआर बॉक्स कनेक्ट करना है, ये मेंटेनेंस फ्री अर्थ के साथ कनेक्ट करना है, और जो आपका मैनुअल अर्थ होता है उसके साथ आप क्वार्ट केबल के जो आर्मर है और सिग्नल केबल का आर्मर है और पावर केबल का आर्मर है, इनको कनेक्ट करेंगे उसके साथ, ठीक है। और जो जो मेंटेनेंस फ्री अर्थ है वो तो उसकी वैल्यू 1 ओम से कम होनी चाहिए, और जो मैनुअल अर्थ है उसकी वैल्यू 5 ओम तक भी चलेगा, वो 5 ओम से ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, आपको अगर अपने सिस्टम की लाइफ चाहिए या आपको फ्री मतलब कोई टेंशन नहीं लेनी है, तो आप अगर अर्थ प्रॉपर रखोगे तो सिस्टम भी प्रॉपर काम करेगा आपका। मैक्सिमम फेलियर आपके जो प्रॉब्लम होती है अर्थ प्रॉपर ना होने की वजह से होती है इसकी प्रॉब्लम ज्यादातर, ठीक है। अब देखिए इसमें देखा अर्थिंग अरेंजमेंट करना है, उसके बाद पावर सप्लाई अरेंजमेंट करना है। पावर सप्लाई तो आप लोग जनरली आईपीएस से यूज करते हो पावर सप्लाई है, तो उसमें अगर आपको ये पावर सप्लाई चेक करना है तो आप एक काम करिएगा, इंड्यूस वोल्टेज जरूर चेक कर लीजिए उसमें, इसमें कितना स्पाइक वोल्टेज आता है इसमें। कभी कभार मैं देखता हूँ कि स्पाइक वोल्टेज ज्यादा आता रहता है इसमें सिग्नल केबल में, और जो भी आप यूज करते हो ना अर्थिंग अरेंजमेंट के पावर सप्लाई के, कहीं कहीं पावर सप्लाई यूज करते हैं, कहीं कहीं सिग्नल केबल यूज कर सकते हैं आप लोग, तो वो ध्यान देना है आपको वहां पे कि स्पाइक वोल्टेज नहीं आनी चाहिए उसमें बिल्कुल। ये आपका इंस्टॉलेशन ऑफ एक्सल डिटेक्टर्स है, सेक्शन ऑफ रेल्स है, मार्किंग जिग है, जब भी होल करो। हाँ आपको एक चीज और बता देता हूँ कि जब आप लोग होल करवाते हो या जैसा भी है करते हैं आप लोग, तो नॉर्मली क्या करिए मार्किंग जिग का यूज करिए। मार्किंग जिग में जो एक आपका आता है 90 आर रेल होती है, उसमें मतलब नॉर्मली अब हम लोग क्या करते हैं कि सिंगल होल वाली जिग देते हैं आपको, ठीक है। और कहीं कहीं जहाँ पे पुरानी पड़ी हुई है, जहाँ पे पुराने आप लोगों के पास है, वो उसमें दो डबल होल वाली जिग है आपके यहाँ पे, तो डबल होल वाली जिग है उसमें क्या होता है, एक 60/52 kg वाली है, वो 88 mm पे मार्किंग दी रहती है उसकी, तो 88 mm पे मार्किंग नहीं करनी है, हमेशा 86 mm पे मार्किंग करनी है इसको, वो तभी सही। आप बता रहे हो ना शंटिंग एरर आ रही है, एक कोई बोल रहा था सर यहाँ पे शंटिंग एरर बार बार इंटरनल शंट एरर आता है, उसका रीजन ये हुआ है कि वो जो होल किए गए हैं वो 88 पे कर दिए होल, इस वजह से शंटिंग आ रही है वहां पे बार बार। अगर आपका 86 mm पे होल होता तो वो कभी शंटिंग एरर नहीं आता आपका वहां, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आर एक्स कॉइल को लूज करके ऊपर लिफ्ट करके टाइट करवा दी, जिससे कि ऊपर हो जाएगा तो शंटिंग एरर खत्म हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो हमेशा, और दूसरा यह है कि जो मार्क करना चाहिए और ड्रिल होल करना चाहिए 14 mm के ड्रिल बिट से होल करना है, 14 mm के, क्योंकि जो नट बोल्ट होते हैं वो 12 mm के नट बोल्ट होते हैं,
ठीक है, 12 mm के नट बोल्ट होते हैं, तो 12 mm के नट बोल्ट से होने में क्या होता है, 2 mm का अप एंड डाउन कर सकते हैं उसको, इसलिए हम लोग 14 mm के ड्रिल बिट से होल करते हैं उसको, ठीक है। और मार्किंग जिग जब भी लगाओ तो इंटर अंदर साइड लगाओ, अंदर के साइड लगा के ही मार्क करना चाहिए, बाहर की साइड नहीं लगाना, क्योंकि जो ट्रेल चलती है वो इनसाइड रेल चलती है, इनसाइड से चलती है ना रेल, इसलिए हमेशा जो मार्किंग जिग होती है वो इनसाइड में लगा के ही होल मार्क करना चाहिए, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया कि किस तरह से काम करता है, कि सेम रेल में लगाना चाहिए, ये वही फिगर है सेम रेल वाला। ये आपका मार्किंग जिग है, आपका मार्किंग जिग है, क्लैंप है, पंच है, इस तरह से इंटरनल रेल में लगा के पंच करना चाहिए, इस तरह से मार्किंग करनी चाहिए, ठीक है। ये आपका मार्किंग जिग का दिखा रहा है किस तरह से होल किए गए हैं इसमें रेल में, इस तरह से ये कॉइल वगैरह फिट करते हैं, टाइट करते हैं, ये कॉइल लगाए TX1 RX1, ये कॉइल की फिटिंग वगैरह है। और ये डिफ्लेक्टर प्लेट है, डिफ्लेक्टर प्लेट एटलीस्ट आप 400 मतलब करीबन 400 mm की डिस्टेंस पर रखिए, 40 cm की डिस्टेंस पर लगाइए इसको कॉइल के, ठीक है, जिससे कि हैंगिंग पार्ट से प्रोटेक्शन हो सके इसका, 40 cm की डिस्टेंस पर। अगर 40 cm से कम हो तो सर? कम होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 40 mm के से होता है, 40 cm तक होता है, तो इससे फायदा ये रहता है कि रेल के जो हैंगिंग पार्ट है उससे कॉइल डैमेज नहीं होगी आपकी, आप अगर ज्यादा दूर लगा दोगे तो भी डैमेज कर देगा, अगर पास लगाओगे तो मतलब कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश ये करिए कि 40 cm की डिस्टेंस पर लगाइए इसको, ठीक है सर। मैं सोचता हूँ कहीं कोई इसमें कॉइल में इफेक्ट आता है। नहीं, नॉर्मली ये डिफ्लेक्टर प्लेट का काम है प्रोटेक्शन फॉर हैंगिंग पार्ट। इसकी दूरी सेंटर से लेते हैं? नहीं सेंटर नहीं, आप किनारे से ले लो, किनारे से, ओके, साइड से। ये देखिए आपका इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट में दिया हुआ है, पूरे 8 कार्ड है, फर्स्ट SSC1 कार्ड है, SSC2 कार्ड है, MLB1 कार्ड है, MLB2 कार्ड है, इवेंट लॉगर कार्ड है, फिर मॉडम कार्ड है, फिर रिले ड्राइवर कार्ड है, फिर DC-DC कन्वर्टर कार्ड है। ये आपका है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, ये आपका वाइटर रिले बॉक्स है, इसमें एक PR रिले, एक VR रिले, ठीक है, ये आप देख ही चुके होंगे सब चीजें तो आपके वहाँ है। ये लोकेशन बॉक्स की फिगर है, पिक्चर है किस तरह से क्या क्या करते हैं इसको, ये आप लोगों को मालूम ही होगा। इसमें ये लोकेशन बॉक्स है बैक साइड का, फ्रंट साइड का, ये रीसेट इंडोर इक्विपमेंट है, वुडन प्लैंक मतलब। हाँ एक चीज और ध्यान रखिए, रीसेट बॉक्स को आप लोग अर्थ वगैरह करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ करते हैं, और हो सके तो अगर इसको सेपरेट अर्थ कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर हो सके तो इसका जो अर्थ है वो सेपरेट अर्थ करिए रीसेट बॉक्स का, अगर कभी भी आप अगर सेपरेट अर्थ करेंगे तो कभी भी ये खराब नहीं होगा आपका ये रीसेट बॉक्स, क्योंकि क्या होता है ना कि ये पैनल के, मैंने नॉर्मली देखा है रेलवे में कि ये पैनल के साथ ही इसको अर्थ कनेक्ट कर देते हैं इसका, तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कुछ लाइटिंग वगैरह हुई तो उस कहीं एक पे लाइटिंग आती है तो पूरे को डैमेज कर देती है, डिस्प्ले चला जाता है इसका, आप देखे होगे बहुत जगह पे रीसेट बॉक्स में डिस्प्ले चला जाता है, क्योंकि उसका रीजन ये है कि इसका कॉमन अर्थ रहता है पैनल के साथ में, तो एक जगह पर लाइटनिंग हुई तो वो पूरा डैमेज कर देता है, अगर ये सेपरेट अर्थ रहेगा तो डैमेज नहीं होगा ये जल्दी, और आपका ये कंटिन्यूस काम करता रहेगा इक्विपमेंट, ठीक है। तो कोशिश करिए कि इसका सेपरेट अर्थ हो जाए रीसेट बॉक्स का। हेलो सर, इसकी रीडिंग ऑटो जंप करती है तो इसका क्या रीजन हो सकता है? किसकी रीडिंग? रीसेट काउंटर ऑटो जंप कर रहा है, अपने आप बढ़ जाता है। उसका रीजन ये है, देखिए कहीं आपका कुछ वायर शॉर्ट हो, कुछ पिन शॉर्ट कर रहा है, उस रीजन में एक काम करिए आप, जो रीसेट बॉक्स है ना, रीसेट बॉक्स का जो रीसेट कार्ड है, रीसेट कार्ड को एक बार रिमूव करके रीइंसर्ट करिए दोबारा, ठीक है। रीसेट कार्ड इसके अंदर ही होता है? हाँ रीसेट बॉक्स के अंदर रीसेट कार्ड होता है, बैक साइड में होता है, तो 3 कार्ड होते हैं रीसेट बॉक्स में, एक होता है आपका, एक होता है मदरबोर्ड, दूसरा आपका इंटरफेस कार्ड होता है, जो आप फ्रंट से देखोगे अगर रीसेट जहां पर डिस्प्ले साइड से देखोगे आप सिस्टम वाला रीसेट बॉक्स को, तो पहला कार्ड है उसको बोलता है इंटरफेस कार्ड, और जो पीछे का कार्ड है उसको बोलता है रीसेट कार्ड। तो नॉर्मली क्या होता है, रीसेट कार्ड जो कहीं शॉर्ट होता रहता है तो उसका काउंटर अपने आप जंप करता रहता है,
उस कंडीशन में आप एक काम करिए, उसको कार्ड को एक बार रिमूव करिए, निकालिए, दोबारा लगाइए, तब देखिए अगेन जंप करता है कि नहीं करता है। अगर जंप दोबारा कर रहा है तो आप एक बार रीसेट कार्ड चेंज कर दीजिए उसका, ठीक है? ओके। हेलो सर। हाँ बोलिए, बताइए। अगर सर जैसे एक्सेल काउंटर एएफटीसी के पैरेलल में लगा हुआ है, हाँ, और दोनों फेल हो जाते हैं, तो क्या एएफटीसी को पहले ठीक होना पड़ेगा एक्सेल काउंटर के रीसेट होने के लिए? देखिए क्या होता है, एएफटीसी क्यों फेल करती है कमांड को, जब उसकी फ्रीक्वेंसी ट्रिगर्ड हो जाती है तभी सिस्टम फेल होता है। वो नॉर्मली क्या होता है, एएफटीसी क्या होती है कि मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब कर देती है इक्विपमेंट को कि तभी वो फेल होता है इक्विपमेंट, ठीक है? तो उस कंडीशन में उसकी या तो उसको ऑफ कर दो, शट ऑफ कर दो, एएफटीसी को ऑफ कर दो शट, तब उसके बाद इक्विपमेंट को रीसेट करो तो रीसेट हो जाएगा है। और नहीं कर सकते एएफटीसी को ऑफ, तो क्या है कि मतलब एक बार सिस्टम को ऑफ कर दीजिए, क्या होता है जैसे कभी कभार ना एएफटीसी की फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब कर देती है इक्विपमेंट को, तभी वो सिस्टम फेल होता है फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, अब ये देखिए सर्ज वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस के बारे में मैंने आपको बताई दिया कि किस तरह से क्या क्या यूज कैसे उसको वो करते हैं। ये आपका अर्थ है इंस्टॉलेशन अर्थ अरेंजमेंट, ये भी मैंने आपको बताया कि क्या क्या अर्थ अरेंजमेंट है इसका, मतलब क्या क्या साइज है। तो नॉर्मली आप लोगों को मालूम होगा कि दो मीटर की कॉइल, दो मीटर का वो होना चाहिए आपका पाइप, क्या बोलते हैं उसको, जो आपका श्रीपाल जी। हाँ सर बताइए, आपका कब तक अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट हो जाएगा? मैक्सिमम आपको 15 टू 20 मिनट्स में हो जाएगा सर। ओके ओके, प्लीज ट्रेनी लिशन लंच कर लीजिएगा एक से दो बजे के बीच तक। हाँ सर, उतना तक खत्म कर लेंगे हम, एक बजे तक हो जाएगा। दो बजे आपके एक लेक्चर होगा, स्पेशल लेक्चर ऑन अर्थ लीकेज डिटेक्टर ऑन अभी दिखाएंगे एट 14 o'clock by अनुविद्युत रुड़की। तो ELD का स्पेशल लेक्चर होगा 14 बजे, लिंक सेम लिंक पर आ जाइएगा। RC ऑनलाइन और बाकी सब लोग भी इसी लिंक पर, लिंक यही चलेगा। ओके ओके सर, ओके सर, ओके सर। हाँ तो ठीक है, अभी देखिए क्या सर, है ओके। ये आर्थ अरेंजमेंट है, आर्थ अरेंजमेंट में क्या है कि नॉर्मली ये तो आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ती है ये सब चीजें देखने की, लेकिन फिर भी अर्थ की कितनी क्या स्टैंडर्ड होता है, जो अर्थ पिट का जो अर्थ की पाइप होती है वो कितना होना चाहिए, 1.4 mm डाया होना चाहिए उसका, और 2.11 मीटर की उसका डिस्टेंस होनी चाहिए जो आप उसमें लगाते हैं, आपको अर्थ पिट में लगाते हैं उसको, तो आप ध्यान दे, ये आपको मैनुअल में मिल जाएगा आपको। ये आपका जो पावर सप्लाई अरेंजमेंट है, क्या क्या यूज करते हैं, नॉर्मली जो IPS मॉड्यूल यूज करते हैं वो 24 वोल्ट और 5 एम्पियर का मॉड्यूल होना चाहिए आपका, ठीक है? और जो जो बैटरीज होती हैं वो 24 वोल्ट और 40 AH की बैटरी होनी चाहिए। बैटरी चार्जर 24 वोल्ट टू 5 एम्पियर का बैटरी चार्जर होना चाहिए, और 25 स्क्वायर एमएम की दो कोर होनी चाहिए पावर केबल के लिए इक्विपमेंट को कनेक्ट करने के लिए। सर जी, हाँ बताइए, बोलिए। ये जो हमारा सिस्टम है EMLB1 EMLB2 होता है, जो इंडिकेशन होता है, जैसे सर गाड़ी आती है तो ये फ्लक्चुएट करता है, तो इसके बारे में सर बताइए। हाँ हाँ, उसके अकॉर्डिंग देखिए क्या होता है, आपको मैं उसके बारे में बताता हूँ, अभी कार्ड का डिटेल बताऊंगा ना तो उसमें बता दूंगा आपको, ठीक है? ये प्री कमिशनिंग चेकलिस्ट है, इसमें मैंने आपको बताया 1000 ओम की रिले यूज करते हैं ना लोकेशन बॉक्स पे, ये पूरा लिखा हुआ है उसमें एडवाइस, ये हमें बताते हैं टूल किट वगैरह ये सब। क्या क्या चेक करते हैं मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, आप ट्रांसमिटिंग कॉइल का वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी आप एक जगह लिख लिया कीजिए, उसकी वेरिएशन होता है कितना वेरिएशन होता है वो देखते रहिए है, ये सब मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको पैरामीटर मिलते हैं, आपको नॉर्मली लोकेशन बॉक्स तो सारी चीजें दी रहती है वहाँ पे, TX1 TX2 RX1 RX2 मॉडम वगैरह वो सब, DC कन्वर्टर कार्ड क्या क्या पैरामीटर लिखने हैं वो सब चीजें बना के रखा होगा आप लोगों ने अपने लोकेशन पे।
रिकॉर्ड टूल किट तो ये तो जरूरत नहीं है, फिर मटेरियल अब ये आप जरूर देखिए डू और डू नॉट में। इसमें क्या है, द इंटरनल कनेक्शन ड्राइंग आर टू बी फॉलोड टू कनेक्ट द ट्रांसमिशन रिसीवर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग कॉइल 21 एंड 23 किलोवाट RX1 21 23 किलोवाट रिस्पेक्टिवली, ये तो दिया हुआ है। इसमें आपको क्या बताने वाला है, हाँ आप कपलर वगैरह जरूर देख लिया कीजिए एक बार, टाइट है प्रॉपर की नहीं है, ध्यान मतलब ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, कपलर कभी लूज नहीं होने चाहिए, हमेशा टाइट रहने चाहिए कपलर। हाँ और कोशिश करिएगा कि ये जो सिस्टम है वो कर्व एरिया में ना लगे, थोड़ा सा कर्व एरिया में लगने से क्या होता है कि कर्व एरिया में लगाते भी हैं तो आउटर रेल में लगाइए सिस्टम को, ट्रांसमिटिंग कॉइल को, कॉइल को आउटर रेल में लगाइए, क्योंकि लोअर रेल में लगाने से क्या होता है कि वो हिट करती है कॉइल बार बार और टूट जाती, जल्दी टूटती रहती है कॉइलें, इसलिए कर्व एरिया में जब लगाएंगे तो हमेशा अपर रेल में लगाइए कॉइल, ठीक है ये ध्यान रखिएगा अपना। हाँ ये देखिए जो आप पूछ रहे थे ना एमएलबी कार्ड्स के बारे में, ये एरर कोड्स हैं आपके, देखिए किस तरह से एरर कोड पढ़ते हैं हम लोग, आपने देखा होगा ये देखिए जो सेकंड फिगर है 1 2 4 8 10 20 40 80, ये आपको ध्यान रखना है इस चीज को, जो भी लिट करेगा केवल एरर कोड वो पढ़ना है आपको, जो लिट करेगा जो स्टडी है उसको नहीं ध्यान देना है, जो लिट करता है जो मतलब ब्लिंक करता रहता है उसको ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप देखोगे 1 2 4, जैसे आपका 10 और 20 आपका ब्लिंक कर रहा है, और जैसे सपोज 2 वाली एलईडी भी ब्लिंक कर रही है तो 10 प्लस 20 30 30 प्लस 2 32, दिस विल बी 32 एरर कोड। ये इस तरह से आप पढ़ोगे एरर कोड, जो भी लिट करेगा जो ब्लिंक करेगा केवल वो आपको कंसीडर करना है, जो स्टडी है उसको कंसीडर नहीं करना है आपको, ठीक है। सर कैसे पढ़ेंगे? हाँ इसको पढ़ने का तरीका देखिए, देखिए जो आप 8 एलईडी दी देती हैं, जो ऊपर की 4 होती हैं उनको बोलते हैं 1 2 4 8, इसमें लिखा हुआ है उनको बोलते हैं LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और नीचे वाली होती है 4 उसको बोलते हैं MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे, जैसे आपका सपोज आप एक काम करें, जहां पे लोकेशन है लोकेशन पे एमएलबी कार्ड के ऊपर मार्कर से लिखिए 1 2 4 8 10 20 40 80, ये लिख लीजिए वहां पे, तो इससे आसानी हो जाएगी आपको एरर कोड पढ़ने के लिए। तो इस तरह से आप पढ़ लोगे इसको, ये क्लास एरर कोड के बारे में बताया किस तरह से पढ़ते हैं इसको। हाँ मैं आपको, आप चाहो तो इसके अलावा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं आपको एरर कोड के बारे में ये जो लिख रहा है ना दिखा रहा है, मैं आपको एक वो बता देता हूँ, उसको एक शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ, समरी बना देता हूँ आपको कि क्या क्या एरर कोड आते हैं, वो लिख लो आप एक बार, है आप लिखिए जरा एरर कोड्स के बारे में पहले। समरी लिखिए उसको, नॉर्मली क्या क्या एरर कोड्स आते हैं, उनकी क्या क्या रेमेडीज हैं, उनको लिख लो आप एक बार, है बड़ा पॉइंट है ये। देखिए एरर कोड ड्यू टू काउंटिंग से रिलेटेड एरर कोड्स क्या क्या हैं उनको आप लिखो पहले, काउंटिंग से रिलेटेड एरर कोड है आपके 31 32 36 37 38 39 43 44 45 46 47 48, ये आपके एरर कोड सारे के सारे काउंटिंग से रिलेटेड एरर कोड हैं आप, ठीक है। एक बार दोबारा बोल देता हूँ क्या क्या है काउंटिंग से रिलेटेड एरर कोड, 31 32 33
31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ये सारे के सारे एरर कोड काउंटिंग से रिलेटेड एरर कोड है, मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा थोड़ी देर में है। अब कम्युनिकेशन से रिलेटेड एरर कोड क्या है वो लिखो आप एक बार, वो है 30, 40, 41, 42, ठीक है, ये आपके कम्युनिकेशन से रिलेटेड एरर कोड है, इनके बारे में मैं बताऊंगा क्या क्या करना चाहिए। और जो एमएलबी कार्ड से एरर कोड है, जो एमएलबी कार्ड की वजह से एरर कोड आते हैं उनको लिख लो आप एक बार, 32, 60, 61, 62 and 66, तो ये आपके एमएलबी कार्ड से रिलेटेड एरर कोड है, ठीक है। अब आपका है रिले ड्राइवर कार्ड की वजह से क्या क्या एरर कोड आते हैं वो भी आप लिख दो, वो है 50, 51, 52, 53। हाँ, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन एरर कोड है, जो आपके जो नॉर्मली जो कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आते हैं, जैसे आपका केबल वगैरह कट हो गया या कुछ, या कार्ड में कुछ मतलब डाटा करप्ट हो गया, इस वजह से क्या क्या एरर कोड आते हैं वो भी लिख लो आप, वो है 70, 71, 72, 73, 74। हाँ, ये आपका कॉन्फ़िगरेशन एरर कोड है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका आपने डिप स्विच की सेटिंग प्रॉपर नहीं करी इसकी मॉडम कार्ड की, या मदरबोर्ड में डिप स्विच की सेटिंग प्रॉपर नहीं, तो ये एरर कोड आते हैं 70, 71, 72, 73, 74, ये सारे कॉन्फ़िगरेशन एरर बोलते हैं इनको। मिसलेनियस एरर कोड्स हैं 3F, 7F, 80, ये आपके मिसलेनियस एरर कोड्स हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या करना है इससे, क्या मतलब जैसे ये एरर कोड आया तो आपको क्या सीधे क्या करना है, डायरेक्ट एक्शन क्या लेना है उसके लिए। जैसे काउंटिंग का एरर कोड है, हाँ, जैसे एरर कोड 32 है, 32 में आपको क्या करना है, कुछ 32 एरर कोड बार बार आपके यहाँ आ रहा है तो आप कुछ मत करिए, डायरेक्ट एमएलबी कार्ड चेंज कर दीजिए, ठीक है। जिस एमएलबी कार्ड में आपका 32 एरर कोड आ रहा है वो तुरंत एमएलबी कार्ड चेंज कर दीजिए, वो एमएलबी कार्ड प्रॉब्लम है। साउंड नहीं मिल रही है श्रीपाल जी, ठीक
एक मिनट सर, एक मिनट। अच्छा, वो अच्छा स्क्रीन बंद हो गई थी अपने आप ना, इसलिए। तो 32 और 39 में आपको एमएलबी कार्ड रिप्लेस करना है, और बाकी कार्ड में तो कुछ भी नहीं करना है, बाकी में तो कॉइल वगैरह देखना है। सर 32 के बाद आपने जो भी बोला उसकी आवाज नहीं आई सर। अच्छा अच्छा, देखिए 32 और 39 दो एरर कोड हैं जहां पे आपको एमएलबी कार्ड चेंज करना है, ठीक है, लिख लीजिए आप 32 और 39 में आपको इसको एमएलबी कार्ड चेंज करना है उसका। और 30 आप एक 34 और 35 एरर कोड होता है, इसमें क्या करते हैं कि इसमें क्या होता है, 35 होती है नेगेटिव काउंट एरर और 34 होता है शंट एरर। तो जहां पे भी 35 एरर कोड आती है उसको बोलते हैं नेगेटिव काउंट एरर। मतलब ये हुआ कि एक साइड में आपका 35 है, एक साइड में 34 आ रहा है। तो 35 में क्या होता है कि ट्रेन निकली, एक ए स्टेशन से निकली, बी स्टेशन पे जा रही है, तो ए स्टेशन पर 99 काउंट किया है और बी स्टेशन पे 100 काउंट किया है, तो जो आपका 35 एरर कोड आएगी वो बी स्टेशन पे आएगी, क्योंकि वहां 100 काउंट हुआ है, वहां 99 काउंट हुआ है, तो नेगेटिव काउंट एरर आ गया है। तो जहां ए स्टेशन पे क्या करना है, कॉइल को लूज करके ऊपर की तरफ लिफ्ट करके टाइट कर देनी है, एक काम ये करना है। और दूसरा ये भी देखना है कि उसका एसएससी कार्ड का आउटपुट वोल्टेज 2 वोल्ट से अबव है या नहीं है, 2 वोल्ट है कि नहीं है उसका, ये भी ध्यान रखना है उसको, ठीक है। और 36 में एरर कोड में क्या करना है, आपको देखना है कि आपका एसएससी कार्ड का आउटपुट वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और कहीं ऐसा तो नहीं आपका आरएक्स कॉइल ब्रेक हो गया है या कुछ प्रॉब्लम हो गई है उसमें, वो देखना है 36 में। और आपका 37 में क्या है, ऑस्किलेशन ओके और एलडी ओके का इंडिकेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपका कॉइल में, उसमें एसएससी कार्ड में। अगर नहीं आ रहा है तो आपकी कॉइल में आपने जो कनेक्टिविटी है वो प्रॉपर नहीं है, इस वजह से नहीं आ रहा है वो, ऑस्किलेशन ओके और एलडी ओके नहीं आ रहा है। 38 है इंटरनल शंट एरर बोलते हैं इसको, इसमें भी पोजीशन चेक करनी है, ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग कॉइल की पोजीशन चेक करनी रहती है। तो ये आपके ये सारे के सारे आपके काउंटिंग से रिलेटेड एरर थे जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। अभी आपको बताना है नॉर्मली एक ये भी है 44 45, ये नॉर्मली क्या होता है ट्रॉलीज वगैरह पे आते हैं, 44 45 46 47 48, ये सारे के सारे ट्रॉली वाले एरर कोड हैं। ये ट्रॉली जब नॉन इंसुलेटेड ट्रॉली जाती है सेक्शन में और उसको हटा देते हैं, जैसे सेक्शन में गई और उसको हटा के साइड में रख दिया, पीछे से ट्रेन चली गई, तो इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है उसमें। तो ये आपके इस तरह के एरर कोड है। और दूसरा आपको एक और बता देता हूँ, 50 51 52 53, ये आपके नॉर्मली रिले ड्राइवर रिले का रिले वीआर और पीआर रिले का और रिले ड्राइवर कार्ड से रिलेटेड एरर हैं। अब जैसे 50 एरर कोड है, 50 एरर कोड में क्या होता है कि वो रिले के रीड बैक ही नहीं कर रहा है उसको, रिले को। उस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे रिले में हाई रेजिस्टेंस शो कर रहा है, उस कंडीशन में आपका प्रॉब्लम हो जाती है। उस कंडीशन में क्या करिए, देखिए उसको रिले को निकालिए, उसमें देखिए कि कॉन्टैक्ट क्यों नहीं मेक कर रहा है, कहीं डस्ट वस्ट तो ज्यादा नहीं आ गई है, उसको क्लीन वगैरह करके फिर दोबारा लगा दीजिए उसको। 50 एरर कोड में वीआर रिले नॉट प्रेजेंट, और 51 ड्रॉप कॉन्टैक्ट है, ड्रॉप कॉन्टैक्ट प्रॉपर नहीं मेक हो रहा है, इस वजह से वो प्रॉब्लम आती है 51 में। नॉर्मली क्या है कि 53 एरर कोड ऐसा है जिसमें केवल आपका रिले ड्राइवर प्रॉब्लम करता है, तभी 53 एरर कोड आती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको 53 एरर कोड में रिले ड्राइवर कार्ड चेंज करना है। और इसके बाद आपको बता देता हूँ मैं आपको क्या कम्युनिकेशन का क्या है, 30 जो कम्युनिकेशन एरर कोड है वो 30 40 41 42 है। इन सब में क्या करना है कि फर्स्ट मैंने आप लोगों को बताया ही है कि नॉर्मली आपको पहले आउटपुट वोल्टेज चेक करना है मॉडम कार्ड का, लिंक ओपन करने के बाद कि आउटपुट वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आउटपुट वोल्टेज नहीं आ रहा है तो दैट मीन्स आपको मॉडम कार्ड डिफेक्टिव है, अगर आ रहा है तो आपका मॉडम कार्ड ठीक है। आवाज आ रही है ना? हाँ, देखिए अगर आपका मॉडम कार्ड से आउटपुट वोल्टेज नहीं आ रहा है तो आपका मॉडम कार्ड डिफेक्टिव है, अगर आ रहा है तो दैट मीन्स ओके है मॉडम कार्ड, ठीक है। और बताइए, आपको कुछ पूछना हो तो बताइए मुझे, कुछ डाउट्स हैं आपके?
सर जी हमारे यहाँ जो पुश बटन है जिससे हम एरर कोड देखते हैं, तो हमारे यहाँ सर पीछे जो है यूनिट ए यूनिट बी दो है, जैसे एंटर करते हैं तो यूनिट ए है, फिर पुश बटन डालते हैं तो आता एरर कोड, फिर दूसरे के लिए हमको वो डिस्प्ले होता है सर, पीछे बटन होता है डिस्प्ले वन डिस्प्ले टू का। आप क्या HSDAC है ना? जी जी सर। हाँ, उसमें क्या होता है, उसमें एक टॉगल स्विच होता है इसमें ना, उसमें क्या होता है ऊपर करेंगे तो सिस्टम वन का डाटा आता है, नीचे करेंगे तो सिस्टम टू का डाटा आता है, टू का डिस्प्ले आएगा, सिस्टम ऊपर करेंगे तो सिस्टम वन का डिस्प्ले आएगा। हाँ तो बताइए क्या उसमें क्या दिक्कत है? नहीं सर यही पूछ रहे थे। हाँ बोलिए। हेलो, हाँ बताइए, आवाज आपकी आ नहीं रही है। हाँ सर हो गया, हो गया। अच्छा ठीक है, और बताइए किसी को कोई डाउट है तो आप बताइए, कि डाउट क्लियर करने में ज्यादा आप लोग समझ में आ जाएगा। हेलो सर, हम गंगाराम बोल रहे हैं। हाँ बोलिए बोलिए जी सर। जैसे साइट पर डमी बिल चलाते हैं तो वो स्टैंडर्ड होना चाहिए या बनावटी? देखिए नॉर्मली क्या होता है, आप लोग ढक्कन का यूज करते हो मुझे मालूम है, ठीक है, तरीका होता है कि प्रॉपर चलाने का तरीका क्या होता है जी, मतलब जो डमी व्हील यूज करते हैं प्रॉपर ट्रांसमिटिंग रिसीविंग कॉइल को वो के बीच में एक एक, एक अवरोध बोलते हैं उसको, वो होना चाहिए उसमें, तभी वो कट होती है कॉइल, क्योंकि ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग कॉइल हमेशा सिग्नल जनरेट होते रहते हैं उसमें जी। अगर उसमें से डमी व्हील निकालेंगे तो वो सिग्नल डिस्टर्ब होगा, वो सिग्नल डिस्टर्ब होने को ही बोलते हैं काउंटिंग जी। तो अगर स्टैंडर्ड रहेगा तो वो इतना बड़ा होना चाहिए कंपलसरी कि एटलीस्ट कॉइल ढक जाए पूरी, ठीक है जी जी। तो बनावटी सर वो डमी व्हील कितनी लंबा चौड़ा होना चाहिए? वो एक्चुअली क्या होता है, जो कॉइल की डिस्टेंस की जो कॉइल की साइज होती है ना, कॉइल की साइज का होना चाहिए कम से कम, जो कॉइल की चौड़ाई होती है उस चौड़ाई के बराबर होना चाहिए डमी व्हील, ठीक है जी सर। सर इसमें जो है हमारा यूनिट ए होता है तो दूसरे मान लीजिए सर यूनिट ए फेल हुआ तो दूसरे स्टेशन का जो होता है वो भी यूनिट ए ही होता है? बिल्कुल, क्योंकि ए के साथ ए ही कनेक्ट है और बी के साथ बी कनेक्ट है। ठीक सर। सर ये HSSD और SSD में क्या अंतर है? बहुत बड़ा डिफरेंस है, देखो यार HSDAC में क्या होता है हर चीज डबल डबल है आपकी, और इसमें एडवांटेज ज्यादा है। SSDAC में क्या होता है, या तो आप क्वाड में चला सकते हो या तो OFC में चला सकते हो, मीडिया एक ही है, चाहे आप OFC में चलाइए या क्वाड में चलाइए। और HA में क्या है, इतना देखो कुरकुरा के चेक करो ना, और HA में क्या है, और HA में क्या है कि एक सिस्टम आप OFC में चलाइए, एक सिस्टम क्वाड में चलाइए, कोई एक सिस्टम भी फेल होगा तो आपकी गाड़ी नहीं पिटेगी। SSDAC में क्या एक ही सिस्टम रहता है, वो फेल हो गया तो गाड़ी पिट जाएगी उसमें। सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये उसमें ड्यूल है, ड्यूल सिस्टम है ना HA वाला, उसमें डबल कॉइल है। अगर सपोज किसी ट्रेन का फ्लैट व्हील है SSDAC तो फेल हो जाएगा, लेकिन HA में क्या होगा, फ्लैट व्हील होगा तो एक ही साइड जाएगा तो एक ही सिस्टम फेल होगा ना, दूसरा तो काम करता रहेगा। हाँ लिख लीजिए नंबर 8919 0499। भैया मैसेज आ रहा है इसलिए फोन लगा दिए। डबल नंबर 8919 0499 37। नहीं तो आपका कम से कम पता तो सर चाहिए कौन सा है वहीं। ठीक सर, ओके ठीक है फिर, है ठीक है सर, फिर बंद कर दीजिए। तो आप हाँ नाम तो बता नहीं सकते हो? हेलो सर, फिर का यही था बता के दफरत को क्या नाम है? हेलो सर, हाँ बताइए सर, इसकी सेटिंग बता दीजिए थोड़ी। किसी
की है एचए की? एचए की सर। हाँ तो भरवारी महान लिखी है जनाब। एंट्री एंट्री बता दीजिए। पहचान नहीं पाई दशरथपुर। एंट्री में आप लिखिए सिस्टम टू, एंट्री में सिस्टम वन। नहीं ठीक है, एंट्री का सिस्टम वन का पहचान तो सेकंड ऑन। नहीं बात तो सही है यार, ऐसी बात नहीं ना, हरदम बात करे थे, कभी कभी बात करते अंदर हो जाते ना। फिर से बोल दीजिए। संजीत को मामा बोली थी। मैं इनको वो इनका देखिए फर्स्ट सिस्टम वन। अच्छा सिस्टम वन है आपका। हाँ जी सर। फर्स्ट ऑफ जी, सेकंड ऑन, समझ गए ठीक जी। एंट्री का सिस्टम वन ठीक है। अभी एंट्री का सिस्टम टू लिखिए आप, पकड़िए। एंट्री का सिस्टम हाँ सर बोलिए। टू है वन, फर्स्ट ऑफ जी, सेकंड ऑफ जी, थर्ड ऑन जी, फोर ऑफ जी, फाइव ऑन, सिक्स ऑन, सेवन ऑन, एट ऑन ठीक है। ये आपका एंट्री का है। जब आप एक एक लेफ्ट में डेट लगा, एक लेफ्ट में ट्रांसमिटिंग कॉइल लगाते हो एक बार और राइट में लगाते हो तब तब उसका डेट के लिए ये कनेक्शन है ठीक है। अभी आप एग्जिट का लिख लीजिए। बोले सर दोबारा बोलिए। टू थ्री ऑफ अभी क्लियर नहीं आ रही आवाज। अच्छा वन टू थ्री फर्स्ट ऑफ सेकंड ऑफ थर्ड ऑफ प्रिंटेड दिस मतलब आपसे अनाउंस करोगे नाम सबका। वन टू थ्री ऑफ सर। ऑफ हाँ वन टू थ्री ऑफ जी सर। फोर ऑन, फाइव ऑन, सिक्स ऑन, सेवन ऑन, एट ऑन बाकी सब ऑन है सर। ओके सर। और एग्जिट का सिस्टम टू लिखो आप। हाँ सर बोले। फर्स्ट ऑफ जी, सेकंड ऑन, थर्ड ऑन, थर्ड डाउन सर, फोर्थ ऑफ जी, फाइव ऑन, सिक्स ऑन, सेवन ऑन, एट ऑन। पकड़ लेगा ऐसा आएगा तो पकड़ लेगी। ओके सर ठीक है। ऐसा ना पकड़े ठीक है सर। बोल्डर वाला रखा सर। हो गया है कंप्लीट अभी। शांतनु को बोलो वो नेम अनाउंस करे जो जो बंदा मतलब मिले। हेलो सर। सर एंट्री का सिस्टम ऑन बता दीजिए। एंट्री का सिस्टम वन का है फर्स्ट ऑफ दो दिन भाई के सेकेंड ऑन थर्ड ऑफ फोर्थ ऑन फाइव ऑन सिक्स ऑन सेवन ऑन एट ऑन ठीक है। ओके ओके सर। ओके ठीक है सर। हो गया अब इसको कदम सर। सर हेलो सर। बोलिए बोलिए। अगर एंट्री को मैं एग्जिट बनाना है तो ठीक इसका उल्टा कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सेम किसी को। ओके सर। आप एंट्री को एग्जिट बना दीजिए। एग्जिट को एंट्री का मल्टीपल मल्टीपर्पज है ये तो। ओके सर। जैसी आप सेटिंग करोगे वही आएगा आपका। ओके ठीक है। 1300 रुपया से ज्यादा नहीं दिखा। ठीक है सर। सर करदम सर। हाँ जी। हाँ सर कंप्लीट हो गया अभी। कंप्लीट हो गया है। हाँ सर। ओके ओके ठीक है सर। थोड़ा अटेंडेंस बताएं मुझे, व्हाट्सएप कर दीजिएगा प्लीज। है ओके ओके तो ठीक है सर। आपका जो एसएसडीएसी सेल पे जो आपका सेमिनार चल रहा था ये फिनिश हो गया है, कंप्लीट हो गया है। और श्री श्रीपाल जी ने काफी अच्छे से आपको समझाया एरर कोड कैसे डिटेक्ट करते हैं और कैसे फॉल्ट डायग्नोस करते हैं और कैसे इसका सिस्टम वर्क करता है। तो बहुत अच्छा आपका इसमें डिलीवर हुआ है लेक्चर और इसके लिए हम आपको श्रीपाल जी को धन्यवाद अदा करते हैं और आगे भी आशा करते हैं कि इसी प्रकार से हमारे सी डॉट पे लेक्चर होते रहेंगे। 14 बजे जो है लेक्चर इसी लिंक पर होगा, अर्थ लीकेज डिटेक्टर
विद्युत रुड़की कंपनी के ओईएम 14 बजे इसी लिंक पर डिलीवर करेंगे, तो आप सभी का इसमें पुनः स्वागत रहेगा। और फिर से हम श्री श्रीपाल जी को एक बार धन्यवाद अदा करते हैं, काफी प्रयास से, काफी एफर्ट से इस लेक्चर को कंप्लीट किया है और गहराई से इसको बताया है। आशा है ये लेक्चर हमारे रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम एसएसडीएसी में काफ़ी योगदान देगा, और जैसा कि लाइन पर फेलियर्स आते हैं तो उनको हमारा स्टाफ जल्दी से डिटेक्ट करके उनको ठीक कर सकेगा, और रेलवे वर्किंग में अच्छी तरीके से योगदान होगा इसका। थैंक यू सर।